गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हाव यू एंटरप्राइज कल कहाँ तक किया था टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट राइट उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कल वाले टॉपिक में एक बार क्विकली देख लेते हैं जस्ट रिवाइज कर लेते हैं क्विकली क्या देखा था अपन ने बिजनेस एनवायरनमेंट में कि जितनी भी चीजें किसी पर्टिकुलर बिजनेस को सराउंड करती हैं ठीक है थीके? वो सारी चीजें क्या होती हैं बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर आती हैं अब दैट इवेंट्स और कंडीशंस जो अपन ने देखी थी दैट कैन बी गवर्नमेंट हो सकती है कंज्यूमर्स हो सकती है जिसपे अपना बिजनेस अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा है सप्लायर्स हो सकते हैं कुछ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड सोसाइटी हो सकती है राइट अब इन सारे ही फैक्टर्स का इम्पैक्ट किसी पर्टिकुलर बिजनेस में ठीक है किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर या तो पॉजिटिव हो सकता है पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा एक बिजनेस वो अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा राइट right? बट अगर नेगेटिव होगा तो क्या करेगा इट विल अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तो थी वो ने देखा था कि केथ डेविस क्या कहते हैं बिजनेस एनवायरमेंट एग्रीगेट होता है एग्रीगेट मीन इकट्ठा होता है उन सारे कंडीशंस का उन सारे इवेंट्स का जो उस बिजनेस को क्या करते हैं सराउंड करते हैं मतलब सरल शब्दों में कहा जाए सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सारे वो टर्म्स और कंडीशन जो एक बिजनेस को सराउंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू एंड्रयूज उन्होंने डेफिनेशन दी थी ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर किस डेफिनेशन के अंदर कौन से वर्ड थे बिकॉज ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि आप दे दिया नीचे नाम दिए हुए हैं तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा राइट तो अकॉर्डिंग टू एंड रिव्यूज द एनवायरमेंट ऑफ अ कंपनी एज द पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मतलब इन्होंने डायरेक्टली क्या बोला कि बिजनेस के बाहर जितने भी फैक्टर्स हैं जितने भी बाहर के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं ठीक है जो बिजनेस को डायरेक्टली उसकी लाइफ को उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे सिंपल वर्ड्स में बोले तो कैथ डेविस ने बोला कि सारे इवेंट्स और कंडीशन जो बिजनेस को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं सराउंड करते हैं और कंट्रीज उन्होंने क्या बोला जितने भी एक्सटर्नल इंफ्लुएंसेज होते हैं जो उस पर्टिकुलर बिजनेस की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं राइट तो ये हो गई डेफिनेशन इन दोनों के हिसाब से इसके बाद जनरली अपन ने देखा था कि जो बिजनेस एनवायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा वॉलीटाइल होता है मीन्स

वो पार्ट होता है जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होता अब इसके अंदर है पॉलिटिकल हो सकते हैं लीगल हो सकते हैं इन्वायरमेंटल हो सकते हैं है, है, तो ये एक्सटर्नल इनवायरमेंट के अंदर स्पेसिफिक फैक्टर्स होंगे कुछ जनरल फैक्टर्स होंगे ठीक है तो उसको अपन कैसे सिग्निफाई किया था माइक्रो फैक्टर्स जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही खाली अफेक्ट करेंगे ठीक है यूनिवर्सल अफेक्ट नहीं होगा उनका वो एक इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करेंगे तो वो जाएंगे स्पेसिफिक फैक्टर और जनरल फैक्टर्स के अंदर अपन ने देखा था कि फैक्टर्स जो वर्ल्ड वाइड हर एक चीज को अफेक्ट करेंगे छोटा हो बड़ा हो लार्ज स्केल पे हो कैसे भी हो एक्स वाई जेड राइट तो इसका जनरल फैक्टर का अपन ने लेटेस्ट एग्जाम्पल देखा था कोरोना अगर आप उससे लिंक करेंगे तो आज की तारीख में लाइक इन टूडेज डेट अगर कोरोना से हर एक चीज चाहे वो जॉब सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो बिजनेस सेक्टर हो ठीक है हर एक चीज अफेक्टेड है नेक्स्ट अपन ने देखा था इंटर रिलेशन है मींस बिजनेस का इन्वायरमेंट पेरमेंट का बिजनेस पे इंटर डिपेंडेंसी है ठीक है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है अनसर्टेनिटी अपन ने

वाले सिक्स मंथ्स के अंदर मेरा प्रोडक्शन में इतना बढ़ा दूंगा तो सर्टेनली सेल्स जो होगी वो बढ़ जाएगी राइट ऐसा नहीं हो सकता एंड रिलेटिविटी रिलेटिविटी मीन्स एक पर्टिकुलर फैक्टर का तुम्हारे बिजनेस पे कैसा इंपैक्ट पड़े वो डिफर कर सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स पे क्या इंपैक्ट पड़े पता लाइक like, सिंपल सा अगर इसमें समझें तो ये बोलता है कि हर बिजनेस एन्वायरमेंट के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं ठीक है उनका जो इम्पैक्ट हो सकता है वो कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा लाइक like ऐसा हो सकता है आज मेरे को जो चीज़ अफेक्ट हो रही है जरूरी नहीं है मेरे कॉम्पिटिटर को वो चीज़ अफेक्ट करे या हो सकता है जो चीज़ मेरे कॉम्पिटिटर को अफेक्ट हो रही है चाहे पॉजिटिव सेंस में हो रही है या रही है बट जरूरी नहीं है दैट पर्टिकुलर कंडीशन और दैट पर्टिकुलर इवेंट शुड अफेक्ट मी इधर पॉजिटिव सेंस और इन नेगेटिव सेंस ठीक है सो so नेक्स्ट अपन ने देखा था कि एनवायरमेंट कितने तरीके के होते हैं क्विकली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ने देखा था जितने भी लॉज रेगुलेशन बनते हैं उनका बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होता है इसके अंदर अपन ने देखा था कि गवर्नमेंट कभी कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है बिजनेस के अंदर तो अल्टीमेटली अपने फिनिश गुड्स अपने एंड प्रोडक्ट का मार्केट uh, पे इम्पैक्ट जाता ही जाता है कैसे जाता है मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग uh, एंटिटी है ठीक है आप सैनिटाइजर्स uh, बना रहे हैं एंड सडनली गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन ले आया कि अगर आप सैनिटाइजर्स बना रहे हैं ड्यूरिंग दिस लाइक 2021 में राइट right? तो आपको अल्कोहल का कंटेंट जो है आपके फिनिश प्रोडक्ट में एटलीस्ट एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट होना चाहिए जो पहले क्या होता था सिक्सटी था तो अगर आप सिक्सटी से पे जाएंगे तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है ठीक है अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा तो एंड प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहा है उसकी कॉस्ट भी क्या बढ़ जाएगी और इसका अल्टीमेट बर्डन किस पे जाएगा कस्टमर पे जाएगा राइट अभी इकोनॉमिक एनवायरमेंट हो सकता है मतलब मार्केट के अंदर रिसेशन आएगा तो कस्टमर का पेइंग कैपेसिटी अफेक्ट होगा वो अफेक्ट तो अल्टीमेटली बिजनेस भी अफेक्ट होगा एंड वाइज वर्सा राइट एंड देन सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर सेक्टर जहां पे कस्टमर का टेस्ट प्रिफ्रेंसेस उस अकॉर्डिंग नहीं है जिस अकॉर्डिंग आप मैन्युफैक्चरिंग ठीक है कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप उस पर्टिकुलर मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इसके अंदर कल अपन ने नोकिया का एग्जाम्पल लिया था राइट नोकिया के अंदर मतलब नोकिया वॉज अ ब्रांड जिसको कोई बीट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट विथ टेक्नो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इट डजेंट अपग्रेडेड इट सेल्फ ठीक है अगर उसने अपने को अपग्रेड नहीं किया विथ द चेंजिंग नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो वो क्या रह गया वो पीछे रह गया एंड दूसरे जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे वो आगे रह गए अगर आज आप देखेंगे पर्टिकुलर मोबाइल सेगमेंट मार्केट के अंदर नोकिया का स्टेक आप कहीं बहुत ही कम लोग होंगे जो नोकिया के प्रोडक्ट्स अभी यूज कर रहे हैं राइट एंड देन लीगल फैक्टर्स अपन ने देखा तो कोई लॉ आ गया कोई भी लॉ में चेंज आ गया जो आपके बिजनेस को क्या कर रहा है इम्पैक्ट कर रहा है अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो आपका बिजनेस भी इम्पैक्ट होगा ठीक है ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो एट दी एंड आपका बिजनेस जो है क्या होगा इम्पैक्ट होगा ही होगा ठीक है साहब यहां तक किसी को कोई डाउट है शैल वी प्रोसीड आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक में सी अभी हाँ चैप्टर स्टार्ट होगा मतलब यहां से जो इस पर्टिकुलर पोर्शन का जो कंटेंट है वो बेसिकली मार्केट स्टडी बेस्ड है ठीक है कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड मार्केट को क्या किया है स्टडी किया है और उस स्टडी के जो रिजल्ट है थीके? उस स्टडी के जो रिपोर्ट हैं वो यहाँ पे दिए गए एक तो एंटिटी जिस विच इज वर्ल्ड बैंक उसने क्या किया राउंड वर्ल्ड राउंड द ग्लोब उन्होंने एक सर्वे किया ठीक है वो सर्वे के उस सर्वे का जो रिजल्ट है ठीक है कि फैक्टर्स दे दिए कुछ इंग्रेडिएंट्स दे दिए जिस फैक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने क्या किया हर एक कंट्री को जज uh, uh, किया हर एक कंट्री को कुछ पैरामीटर्स दिए कि आप उन पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं फुल कर रहे हैं या नहीं और अगर कर रहे हैं तो आपका वर्ल्ड वाइड क्या रैंक आ रहा है उस पर राइट right? अब वो फैक्टर्स अपन देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं ठीक है थीके? तो स्टार्ट करते हैं आप एक बिजनेस कर सकते हैं ठीक है उसके ऊपर क्या किया एक वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया ठीक है देखते हैं क्या बोलता है इन द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विच इज नोन एज डी बी रिपोर्ट टू थाउजेंड नाइनटीन इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ जम्प ऑफ ट्वेंटी थ्री पोजिशन अगेंस्ट इट्स रैंक ऑफ हंड्रेड एंड टू थाउजेंड सेवेंटीन टू बी नाउ प्लेस दैट सेवेंटी सेवन रैंक अमंग वन नाइंटी कंट्रीज क्या बोल रहा है ये कि वर्ल्ड uh, बैंक ने क्या किया एक सर्वे किया ठीक है एक सर्वे किया उसके अंदर उसने क्या लिया वन नाइंटी कंट्रीज ठीक वन 190 कंट्रीज को लिया अभी उसने क्या किया टू थाउजेंड के स्टैटिस्टिक्स को उठाया जस्ट अ सेकेंड 2017 के स्टैटिस्टिक्स को उठाया एंड 2018 के स्टैटिस्टिक्स को उठाया क्या बोल रहा है 2017 में उस सर्वे पे के अंदर इंडिया का जो रैंक था वो हंड्रेड रैंक था अमंग 190 कंट्रीज एंड 2018 में मतलब एक ही साल में वो रैंक हंड्रेड से कहाँ पे आ गया सेवेंटी सेवेंथ पोजिशन पे आ गया तो ये क्या बोल रहा है साहब ऐसा होने से क्या हुआ ट्वेंटी थ्री का जो क्या रहा जंप रहा ठीक है सिंपल सी चीज है वन कंट्रीज को हमने लिया कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए उन पैरामीटर्स में हर एक कंपनी को क्या किया अपन ने चेक किया उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग तो इंडिया 2017 के अंदर हंड्रेड पोजीशन पे था और एक ही साल में इंडिया ने क्या किया 23 पोजीशंस का जंप लिया एंड वो 2018 में सेवेंटी रैंक पे आ गया से एक क्या चीज इंडिकेट हो रही है यार कहीं ना कहीं इंडिया जो है ना वो डेवलप हो रहा है ठीक है पैरामीटर्स जिन पैरामीटर्स के ऊपर इंडिया को जज कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी को जज कर रहे हैं उसमें इंडिया कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से फाइट बैक करके आगे आ रहा है राइट तो ये आगे क्या बोल रहा है आ, इन ट्वेंटी थ्री रैंक इन दूंगस रैंकिंग इज सिग्निफिकेंट कंसिडरिंग दैट लास्ट इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इट्स रैंक बाय थर्टीएथ प्लेसेस मतलब अभी एक साल में तो ट्वेंटी थ्री पोजिशन का बट टू थाउजेंड सेवेंटीन से मींस टू थाउजेंड सिक्सटीन में कोई जो भी रहा होगा वो थर्टी एथ पे आएगा तो मतलब सर्टेनली दो हजार सोलह में पोजिशन पे इंडिया रहा हो ऑन वन थर्टी नंबर कितने नंबर्स में से 190 कंट्रीज में से कौन सी पोजीशन पे था वन थर्टी पोजिशन पे था तो वो 130 से लेके 2017 में ठीक है 30 पोजिशन का उसने जंप किया तो ये कॉन्जिक्यूटिवली इंडिया कॉन्जिक्यूटिवली मतलब दो सालों से कंटिन्यूस दो सालों से मिला के इंडिया कितना 53 थ्री आगे आया है राइट right? अभी ये क्या बोल रहा है ठीक है अ रेयर फीड फॉर एनी लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री ऑफ द साइज ऑफ इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट इंडिया हैज इम्प्रूव इट्स रैंक बाय 53 पोजीशन इन लास्ट टू इयर्स एंड 65 पोजीशन इन लास्ट फोर इयर्स क्या बोल रहा है ये ये कह रहा है कि यार इंडिया ने दो सालों में ठीक है फिफ्टी थ्री पोजिशन का क्या किया है जंप मारा है जिससे कि यार गवर्नमेंट एफर्ट डाल रही है और गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके रिकॉग्नाइज भी हो रहे हैं तो लास्ट दो सालों में 53 पोजीशंस का जंप इंडिया ने मारा है और उससे पीछे लाइक like 2016 से भी पीछे अगर आप दो साल चले जाते हो लाइक टू एंड फोर्टीन एंड फिफ्टीन तो ये चार साल मिला के इंडिया कितनी पोजिशन आगे आया है सिक्सटी पोजिशन तो चार सालों में ठीक है आप थर्टी वन फोर्टी अराउंड स्टैंड करते थे आज आप आए हैं तो कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स गवर्नमेंट दे रही है ठीक है ग्लोबलाइजेशन के बारे में बोल लिया जाए या डेवलपमेंट के बारे में बोल लिया जाए तो जो एफर्ट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं इज हो रहे हैं ठीक है आगे क्या बोलता है देखते हैं द डूइंग प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव मेजर्स अच्छा एक चीज और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको आपको सिर्फ अभी समझना है कुछ एक चीजें होगी जहां पे आपको यू you नो know, uh, कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स हैं, जिनकी रैंकिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी यू यू जस्ट हैव टू मेमोराइज की 2017 पे इस रैंक पे था टू पे हर एक फैक्टर का नहीं बट कुछ कुछ है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा तो आ, पर्टिकुलर टॉपिक एक बार आप क्लास में समझ लीजिए और जहां जहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रही हूँ अगर आप वो वो चीज भी देख लेंगे तो ये चैप्टर आपका क्विकली कवर हो जाएगा बिकॉज आज से कल अपन ने जो भी क्लास में देखा था वो बहुत जनरल चीजें थी उनको आपको बैठ के बार बार स्टडी करने की जरूरत नहीं है राइट ठीक है देखते हैं आगे The doing business assessment provides objective measures of business regulations and their enforcement across 190 economies on 10 parameters affecting a business through its life cycle. ठीक है साहब अपन 190 countries को क्या किया किया गया उनके सामने 10 indicators रखे गए ठीक है 10 parameters कह लो दस इंडिकेटर्स कह ठीक है जो बिजनेस की क्या लाइफ साइकिल को अफेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उन पैरामीटर्स पे हर एक कंट्री दिए गए पॉइंटर्स दिए गए ठीक है ठीक है हर एक कंट्री का क्या निकाला गया रैंक निकाला गया राइट right? तो ये क्या बोल रहा है द डीबीआर रैंक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटेयर क्या होता है डी टी एफ मीन्स एग्जांपल लेते हैं जैसे 2070 हंड्रेड पोजीशन पे था एंड एक ही साल में या 2018 के अंदर 77 रैंक पे आ गया तो वो हंड्रेड से 77 रैंक पे आया मतलब इतना पीछे था उससे इतना आगे आया राइट हंड्रेड पोजीशन पे था हंड्रेड पोजीशन से कौन सी पोजीशन पे आया तो आप जितना पीछे से आगे आ रहे हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस टू फ्रंट एयर ठीक है तो ये क्या बोल रहा है डीबीआर रैंक करता है किसके बेसिस पे रैंक करता है कि आप ईयर ऑन ईयर आपका रैंकिंग कितना इंप्रूव हो रहा है ठीक है लाइक ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट इन रैंकिंग टू द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस डी टी एफ स्कोर इम्प्रूव्ड फ्रॉम सिक्सटी सेवन पॉइंट टू थ्री टू सिक्सटी सेवन पॉइंट टू थ्री फ्रॉम सिक्सटी पॉइंट सेवन सिक्स इन द प्रीवियस ईयर ठीक है ऊपर रखा वो रैंक्स थे ठीक है यहां ये क्या बोल रहा है डीटीएफ स्कोर दिया जाता है मतलब आपके रैंक पे बेस्ड डीटीएफ स्कोर निकाला जाता है जिसमें इंडिया का लास्ट ईयर स्कोर जो था वो सिक्सटी पॉइंट सेवेंटी सिक्स था ठीक है अब वो इंप्रूव होके आपका जो स्कोर है सिक्सटी सेवन पॉइंट टू थ्री पे आ गया है मतलब बढ़ गया है तो डीटीएफ फैक्टर एक्टर मतलब जितना रैंक तुम आगे आओगे 190 कंट्रीज में जितना डिस्टेंस फ्रंटियर में तुम आगे आओगे उतना ही तुम्हारा क्या होगा रैंक इम्प्रूव होगा राइट नेक्स्ट इज इंडिया हैज इम्प्रूव इट्स रैंक इन सिक्स आउट ऑफ टेन इंडिकेटर्स एंड हैज मूव्ड क्लोज टू इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस ऑन सेवन आउट ऑफ टेन इंडिकेटर्स ठीक है साहब बट द मोस्ट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हैव बीन रजिस्टर्ड इन द इंडिकेटर्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन परमिट एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स ठीक है ये पैरा छोड़ के ये जो नीचे टेबल है इसपे आ जाते हैं क्या बोल रहे हमने कुछ फैक्टर्स लिए, ठीक है दस पैरामीटर्स अपन ने देखा दस पैरामीटर साइन किए गए थे जिस हर एक कंट्री को क्या मिलता है रैंक अलॉट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दर इंडिकेटर्स तो ये कुछ छह इंडिकेटर्स हैं जिसमें इंडिया ने क्या किया है ऊपर बोल रहा है इंडिया ने इन छह इंडिकेटर्स के अंदर अपने रैंक को क्या किया है इंप्रूव किया है तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन परमिट्स क्या होता है कंस्ट्रक्शन परमिट्स सिंपल सी चीज है तो आज अगर आप अपना बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं ठीक है आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है ठीक है जिसका कंस्ट्रक्शन सपोज गवर्नमेंट के लॉस के हिसाब से वो कहता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में आप फोर्थ फ्लोर से अब कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते ठीक है बट आपको क्या करता है रेगुलेशन को फॉलो करके ठीक है परमिशन्स लेनी पड़ती हैं गवर्नमेंट से कि हम ये ये चीजें कर देंगे तो फोर्थ के ऊपर भी एक्सपैंड करते हैं से फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेवेंथ फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो हमने ये मेजर्स लेने हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए फ्यूचर में तो उस ये, वो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ता है गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है तो कंस्ट्रक्शन परमिट्स के अंदर ये क्या बोल रहा है 2017 में इंडिया का रैंक 181 पे था जो कि 2018 में कहां पे आया 52 पे आया तो कितना ड्रास्टिक चेंज है आप देखिए स्टैंड करता था मतलब ये क्या दिखा रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है Ease ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड कर रही है ठीक है आपको बिजनेस करने के लिए जो जो हिंड आते हैं ठीक है थीके? उसको वन बाय वन करके क्या कर रही है गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है ठीक है सेकेंड इज ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर अभी अगर आपको अक्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग करनी है ठीक है तो बहुत सारे रेगुलेशंस वगैरह लाइमलाइट में आ जाते हैं ठीक है तो यूजुअली लोग क्या कहते हैं कि यार

पोजीशन से इंडिया पोजीशन पे आया है तो ये कैसे आया होगा सी एक सिंपल सा लॉजिक समझिए कि गवर्नमेंट है ना अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ के सपोर्ट है पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग गवर्नमेंट के पीछे थे कि यार हमें ये चीज करनी है आप हमें क्या दे दीजिए परमिशन दे दीजिए ठीक है बट तब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि हम ग्लोबली कैसे एक्सपैंड कर सके इंडिया की इकोनोमी को तो गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है बट दू हैज कम चेंज इन लास्ट टेन टू ट्वेल्व इयर्स अगर आप देखेंगे नाउ गवर्नमेंट इज लाइक कि आप अप्रोच कीजिए ठीक है हम गवर्नमेंट जितनी भी आपकी हेल्प कर सकेगी वो करेगी ठीक है बट ऑन द लीगल ग्राउंड राइट तो इसलिए ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर का सिंपल सा रैंक है है से क्या हुआ चेंज हुआ है थर्ड इज स्टार्टिंग अ बिजनेस मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट क्या कर रही है प्रोवाइड कर रही है हर एक अंदर गवर्नमेंट इंप्रूव इंप्रूव इंप्रोवाइजेशन लेकर आ रही है सारी चीजें विथ द टाइम चेंजेस एज टाइम इज चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज की जा रही हैं तो क्या हो रहा है स्टार्टिंग अ बिजनेस के अंदर भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है अभी आने वाले समय में आने वाले टाइम में आप देखेंगे एक बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है बिजनेस को लेकर ठीक है बहुत सारे लोग जो होंगे ना क्योंकि गवर्नमेंट अटेम्प्ट कर रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना इससे पहले वाले टॉपिक में अपन ने क्या देखा था अपन ने यही देखा था कि गवर्नमेंट इतने सारे इनिशियटिव ले रही है ठीक है कि आप स्टार्ट तो करिए गवर्नमेंट आपके साथ है इसलिए आने वाले टाइम में ये जो रैंकिंग है नाइनटीन पोजिशन की ये और ज्यादा इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस है ठीक है गेटिंग अ क्रेडिट क्रेडिट लेने में ठीक है फंड अवेलेबिलिटी इसके अंदर इंडिया ने एक साल के अंदर सेवेंथ रैंक इंप्रूव किया है सेवन पोजिशन इंप्रूव की है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्ट इज इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो ऐसे अगर आप टोटल देखेंगे तो इंडिया 2017 के अंदर हंड्रेथ पोजिशन पे था जो कि 2018 में मियरली इन अ स्पैन ऑफ वन ईयर इट हैज इंप्रूव ट्वेंटी थ्री पोजिशन ठीक है तो यहां पे ये क्या बोल रहा है इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंक इन सिक्स इंडिकेटर्स एंड हैज मूव क्लोजर टू द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसन इंडिकेटर्स बट द मोस्ट ड्रमेटिक इंप्रूवमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड इन द इंडिकेटर्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन पॉइमिट अपन देखा ना सबसे ज्यादा सबसे ड्रास्टिक जो चेंज आया है वो दो इंडिकेटर्स में आया है तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि सिक्स छः इंडिकेटर्स जिसमें इंडिया ने क्या किया है इंप्रूव Improve, इम्प्रूवमेंट शो किया है तो उन छह इंडिकेटर्स में से कौन से टॉप टू इंडिकेटर्स थे एक तो था कंस्ट्रक्शन परमिट और दूसरा था ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स तो इसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा विथ फिगर्स आई विल से राइट विथ फिगर्स आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा दो फैक्ट दो इंडिकेटर्स थे फर्स्ट तो था कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो 181 से कहां पे आया है 52 पे आया है राइट right? एंड दूसरा है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स जो 146 से 80 पे आया है तो 66 पोजीशंस का जंप है इन ग्रांट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंडिया हैज इम्प्रूवड फ्रॉम 181 इन 2017 टू 52 इन 2018 ठीक है हमने ये देख लिया एंड ट्वेंटी थ्री रैंक इन अ सिंगल ईयर इंडिया ने क्या किया है इम्प्रूव किया है एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो रैंक है वो सिक्सटी सिक्स पोजिशन से क्या हुआ है मूव हुआ है फ्रॉम वन फोर्टी सिक्स टू एटी एंड उसने सिक्सटी सिक्स पोजिशन का जम्प लिया है द चेंज इन सिक्स इंडिकेटर्स वेयर इंडिया इम्प्रूव आर तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको बेसिकली एक ये चीज एंड ये वाला पर्टिकुलर चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज ये वाली चीजें एमसीक्यू में आती हैं ओवरऑल 2017 से 2018 के अंदर जो ओवरऑल चेंज है ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी राइट right? ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडिया परफॉर्मेंस अब ये इंडिकेटर्स से ने रैंक तो देख लिए ठीक है बट वो रैंक मिलने के लिए फीचर्स क्या थे कौन से वो चीजें थी जिसको देख के गवर्नमेंट को इंडिया को एक बेटर रैंक अलॉट करना पड़ा ठीक है वर्ल्ड बैंक को एक बेटर रैंक अलॉट करना पड़ा तो क्या क्या फीचर्स थे देखते हैं द वर्ल्ड बैंक हैज रिकोगनाइज इंडिया एज वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर्स ऑफ द ईयर ठीक है वर्ल्ड बैंक ने क्या किया वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को रिकोग्नाइज किया एज अ टॉप इंप्रूवर ठीक है मतलब इंडिया को एज ए टॉप इंप्रूवर देखा गया सेकेंड दिस इज द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंडिया इंडिया होंगे उसमें से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कॉन्जिक्यूटिवली दो साल से अपने रैंक को इंप्रूव किए जा रहे हैं जैसे अपन ने देखा टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टीएथ रैंक रहा होगा राइट हंड्रेड एंड थर्टी रैंक से वो प्रूफ करके 2017 में हंड्रेथ रैंक पे आया एंड देन 2018 में और इंप्रूव करके सेवेंटी सेवेंथ रैंक पे आया तो ये क्या बोल रहे हैं फीचर्स में क्या बोल रहे हैं जितनी भी टॉप टॉपिंग कंट्रीज हैं उसमें से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने कॉन्जिक्यूटिवली लाइक कंटिन्यूसली दो साल तक अपने रैंक को क्या किया है इम्प्रूव किया है राइट ओके थर्ड इंडिया इज द फर्स्ट ब्रिक्स

साउथ अफ्रीका and सी is ठीक है इन पांच कंट्रीज में से ठीक है इन पांच कंट्रीज में से इंडिया एक ऐसी साउथ एशियन कंट्री है जिसको टॉप इंप्रूवर रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स सिंपल सी क्या बात बोल रहा है ये कि इंडिया की अब गिनती उन कुछ एशियन कंट्रीज में आ रही है जो कि टॉप इंप्रूवर्स हैं सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है बस यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या किया गया है उसको गया है कि अगर आप ब्राज़ील की बात करें अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो इन कंट्रीज के साथ अब इंडिया का भी नाम एज अ टॉप इंप्रूवर आ रहा है तभी तो इंडिया रैंक ईयर ऑन ईयर क्या हो रहा है बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा है राइट right? लास्ट पॉइंट बोल रहा है इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाइएस्ट इंप्रूवमेंट इन टू ईयर्स बाय एनी लार्ज इधर ही रखा है सामने अच्छा ठीक है, इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाइएस्ट इंप्रूवमेंट इन टू लार्ज कंट्री सिंस 2011 इन डूइंग बिजनेस इन बाय इंप्रूविंग इट्स रैंक इन 53 थ्री पोजिशन यही चीज अपन ने देखी कि पिछले चार सालों में इंडिया ने क्या किया है अपने रैंक को 53 थ्री से इंप्रूव किया है राइट ठीक है साहब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ये एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस परफॉर्मेंस इंडिया इज नाउ प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजिशन साउथ एशियन कंट्रीज एज अगेंस्ट सिक्स इन टू थाउजेंड फोर्टीन ठीक है एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि टू थाउजेंड फोर्टीन में जो साउथ एशियन एशियन कंट्रीज थी उसमें इंडिया का रैंक सिक्स था जो कि अब क्या हो गया है फर्स्ट पोजिशन पे आ गया है राइट right? अब अगर आप इंडिकेटर वाइज अपन ने ऊपर ये वाली चीजें देखी ना सिक्स इंडिकेटर्स देखे राइट अब इन सिक्स इंडिकेटर्स को इन सिक्स इंडिकेटर्स के अंदर क्या क्या चीजें थी जिनको देखा गया होगा रैंक अलॉट करने से पहले राइट तो एक एक इंडिकेटर देखते हैं कंस्ट्रक्शन परमिट्स क्या बोल रहा है ये प्रोसीजर्स रिड्यूज फ्रॉम 37 सेवन टू ट्वेंटी इन मुंबई एंड फ्रॉम ट्वेंटी फोर्थ टू सिक्सटींथ इन डेली सी अगर पर्टिकुलरली आप मुंबई रीजन की बात करें तो ये क्या बोल रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए जो आप परमिशन लेने जाते हैं ठीक है उसके लिए परमिशन जो है थर्टी सेवेंथ पोजिशन पे थी जो कि रिड्यूस होके किस पे आ गई ट्वेंटी में आ गई कहाँ के लिए मुंबई रीजन के लिए ठीक है और डेली रीजन की अगर बात की जाए तो ट्वेंटी फोर्थ टू सिक्सटींथ पोजिशन पे आ गई वो पर्टिकुलर चीज वो पर्टिकुलर प्रोसीजर्स जिसके लिए आपको टाइम लगता था अब नेक्स्ट पॉइंट टाइम के बारे में ही बात कर रहा है टाइम रिड्यूस फ्रॉम वन ट्वेंटी एट डेज टू 99 नाइन डेज इन मुंबई एंड वन फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव टू नाइन्टी वन डेज इन डेली सिंपल सी चीज है अगर मुंबई में आपको कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन लेनी है तो मुंबई रीजन के अंदर 128 डेज अप्रोक्सीमेटली 128 डेज का जो टाइम लगता था वो रिड्यूस होके 99 डेज पे आ गया है और ऑन द अदर हैंड अगर आप दिल्ली रीजन की बात करेंगे तो 157.5 से वो पोजीशन इंप्रूव होके 91 डेज पे आ गई है राइट right? ठीक है नेक्स्ट पैरामीटर क्या बोल रहा है ये कंस्ट्रक्शन परमिट में बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स इंप्रूव फ्रॉम 12 टू 14 इन मुंबई एंड 11 टू 14 इन दिल्ली ठीक है अभी एक बीक्यू इंडेक्स होता होगा ठीक है कंस्ट्रक्शन परमिट्स में अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको मेजर किया जाता है देन आपको रैंक अलॉट किया जाता है राइट तो उसके अंदर एक बी सी फैक्टर आता है सॉरी बीक्यूसी फैक्टर आता है जिसमें मुंबई रीजन में क्या है इंडिया ने क्या किया इंप्रूवमेंट किया है 12 टू 14 पोजीशन पे आया है और दिल्ली में भी 11 से फोर्टींथ पोजीशन पे आया है राइट नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ ऑप्टेनिंग कंस्ट्रक्शन परमिट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम ट्वेंटी थ्री परसेंट टू फाइव पॉइंट फोर परसेंट अभी कंस्ट्रक्शन के लिए जो परमिशन लेनी पड़ती है उससे एसोसिएटेड जितनी भी कॉस्ट होती है ठीक है उस कॉस्ट का जो परसेंटेज था वो 23.2 परसेंट हुआ करता होगा जो कि रिड्यूस होके अभी एट प्रेजेंट पे आ गया है 5.4 पे आ गया है इन सारे पॉइंट्स में से एक ये जो डी स्कोर वाला पॉइंट है ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा कि डिस्टेंस टू फ्रंटेयर स्कोर जो है वो आपका इंप्रूव हुआ है 38.8 से 73.81 पे ठीक है पर्टिकुलर के सेगमेंट में अभी कंफ्यूज मत हो जाना ऊपर जो अपन ने डीटीएफ स्कोर देखा था वो ओवरऑल स्कोर था जो कि 60.76 से इंप्रूव होके 67.23 पे आया था और ये जो है अपन कंस्ट्रक्शन इंडिकेटर का डीटीएफ स्कोर देख रहे हैं कि डीटीएफ स्कोर पर्टिकुलरली uh, किस सेगमेंट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन की परमिशन से रिलेटेड जो डी स्कोर है वो इतना ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया है थर्टी एट पॉइंट एट टू सेवेंटी थ्री पॉइंट एट वन राइट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इसके अंदर ये कह रहा है चेंज इन टाइम एंड कॉस्ट आर एज फॉलोज अभी ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के पैरामीटर्स को जज कर रहा है यहाँ पे सिंपल सी चीजें अगर आप ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर करोगे तो या तो आप कुछ सेल करोगे या तो आप कुछ बाहर से परचेस करके इंडिया में लाओगे तो उसके अंदर जो टाइम और मनी इन्वॉल्व है ठीक है उन चीजों के ऊपर रैंकिंग की गई तो क्या बोल रहा है ये अगर आप 2017 डेली की रैंकिंग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट uh, तो ये बोल रहा है डॉक्यूमेंट्री कंप्लाइंस जो है जिसमें टाइम लगता था 58 एट आवर्स ठीक है और कॉस्ट लगती थी 140 फोर्टी डॉलर और बॉर्डर कंप्लाइंस में टाइम लगता था 262 सिक्सटी टू आर्स और कॉस्ट लगती थी 550 फिफ्टी डॉलर वो टू में रिड्यूस होके डॉक्यूमेंट्री कंप्लाइंस के लिए क्या हो गई है ट्वेंटी है और कॉस्ट जो कि लगती थी वो रिड्यूस होके किस पे आ गई है $100 पे आ गई है ऐसे ही अगर आप एक्सपोर्ट का देखेंगे तो 2017 में टाइम जो था 21 आवर्स लग रहे थे डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस में जो कि रिड्यूस होके किस पे आ गए सिक्स आवर्स पे आ गए और अगर एसोसिएटेड कॉस्ट की बात की जाए कि आपको जो डॉक्यूमेंट्री वाला काम अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे पहले जो पेपर वर्क होता है ठीक है उससे एसोसिएटेड जो, जो कॉस्ट हाँ, राइट और ऐसे ही अगर आप बॉर्डर कंप्लाइंस देखेंगे अभी दो चीजें हो रही यहाँ पे एक तो पेपर वर्क की बात की जा रही है और जब आप अपने गुड्स को एक पर्टिकुलर बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे ले जाएंगे तो उस पर्टिकुलर बॉर्डर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो उनका कंप्लायंस करने में जो टाइम लग जाता है उनका कंप्लायंस करने में जो कॉस्ट लगती है वो 2017 में 125 ट्वेंटी आवर्स थी जो कि रिड्यूस हो के कहाँ पे आ गई 77 सेवन आवर्स पे आ गई एंड ऐसे ही जो कॉस्ट लगती थी वो 413 फोर हंड्रेड एंड थर्टीन डॉलर लगती थी जो कि नाउ रिड्यूस्ड टू टू फिफ्टी थ्री डॉलर ऐसे ही आप इसका मुंबई का कंपेरिजन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटरी कंप्लायंस एंड इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर कंप्लायंस आप देख सकते हैं इट्स जस्ट अ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को आपको मेमोराइज नहीं करना है सिर्फ समझना है नेक्स्ट पॉइंट इज रॉबर्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हैज रिड्यूज इंस्पेक्शन सिग्निफिकेंटली सिंपल सी चीज है यार एक इतना रॉबर्ट इज इफेक्टिव ठीक है जो हर एक चीज को प्रॉपरली मेजर कर पा रहा है तो ऐसा एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या किया बनाया गया ठीक है किस में कौन से पैरामीटर में कौन से इंडिकेटर में ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में एंड क्या किया गया जो इंस्पेक्शन के अंदर जो टाइम और कॉस्ट लगती थी वो क्या हुई सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड हुई क्यों रिड्यूज हुई क्योंकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम जो था उसको हमने इन्हांस कर दिया उसको हमने अपग्रेड कर दिया तो अब हमें इंस्पेक्शन ज्यादा ज़्यादा इंस्पेक्शंस करने की जरूरत नहीं रही ठीक है नेक्स्ट बोलता है ई संचित अलाउड ट्रेडर्स टू फाइल ऑल डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली तो इन्होंने एक वेबसाइट बता दी जिसका नाम है ई e संचित वो क्या करता है वो अलाउ करता है कि अब आपको ठीक है फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल वर्ल्ड में फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है आप अपने डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकते हैं जैसे आपके केस में एग्जाम्पल होगा आप अपनी एग्जाम फीस एंड एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके सारी चीजें बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं एग्जाम फीस भर सकते हैं एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं सारी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं उसी तरीके से यहां पर भी ई संचित क्या करता है ट्रेडर्स को बोलता है कि अगर आपको एक बॉर्डर ट्रेड करना है तो आप सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं राइट नेक्स्ट ये बोल रहा है टाइम एंड कॉस्ट टू एक्सपोर्ट रिड्यूस थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ सीलिंग ऑफ कंटेनर ऑफ द फैक्ट्री ठीक है जो एक्सपोर्ट के अंदर जो टाइम लगता था जो जिस पर्टिकुलर चीज के अंदर आप अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को से भेज रहे थे ठीक है एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर वाली कंट्री से इंडिया में लाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आता है कि आपके कंटेनर को ठीक है वो सील कर देता है तो अगर पर्टिकुलरली अगर आप चेक करें या कंपेयर करें एक लेमेन पर्सन ठीक है अगर एक लेबर ठीक है उस चीज को क्या कर रही है सील कर रही है तो सर्टेनली टाइम भी ज्यादा लगेगा ठीक है और अगर ऑन दी अदर हैंड उसको आपने क्या कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से स्विच कर दिया है तो सर्टेनली आपका टाइम क्या होगा वहां पे रिड्यूस भी होगा नॉट ओनली टाइम आपका कॉस्ट भी रिड्यूस होगा बिकॉज अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाते हैं तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा जबकि अगर आप कोई लेबर एम्प्लॉय करेंगे तो जितनी बार वो वो काम करेगा आपको उतनी बार उसको रेन्यूमरेशन पे करना पड़ेगा राइट तो ये चीज में टाइम भी बच रहा है एंड सेकेंड थिंग आपका कॉस्ट भी बच रहा है राइट द थर्ड इंडिकेटर इज स्टार्टिंग अ बिजनेस क्या बोल रहा है ये बिजनेस शुरू करने के लिए जो प्रोसीजर्स थे वो डेली में 11 से टेन पे आ गए और अगर आप बात करेंगे मुंबई की तो वो ट्वेल्थ से टेन पे आ गए time reduce hua from 30 to 16 days in delhi compared to in mumbai is 29.5 say सेवेंटीन डेज मतलब ये क्या बोल रहा है एवरेज अगर आपको तीस दिन लगते थे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए डेली में तो अब वो रिड्यूस होके किस पे आ गया है सिक्सटीन डेज पे आ गया है ऑन दी अदर हैंड अगर आप मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए एवरेज एवरेज टाइम अगर ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव डेज लगता था वो नाव रिड्यूस होके कितना लगेगा सेवेंटीन डेज लगेगा राइट ठीक है साहब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है पैन टैन एंड डिन नाउ मोर्ज विथ एसपीआईसी मेकिंग इट अ सिंगल फॉर्म फॉर कंपनी इन कॉरपोरेशन ठीक है अगर आप ठीक है एक असेसी हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं यार, आप एक कंपनी है कोई भी एंटिटी है ठीक है आपको आपका पैन ऑप्टेन करना पड़ता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राइट ऐसे ही आपका टैन ऑप्टेन करना पड़ता है जो कि टैग डिडक्शन नंबर वाली चीज मिलती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं टीडीएस वगैरह कलेक्ट करते हैं और ऐसे ही एक और चीज आती है के केस में स्पेसिफिकली फॉर डायरेक्टर जिसको बोलते हैं डिन विच इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर राइट अभी अगर आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो ये जो तीन चीज है ना ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है तो पहले क्या हुआ करता था आप पैन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे डिन के लिए उसकी पर्टिकुलर एंटिटी में जाएंगे एंड रजिस्टर करेंगे तो तीनों चीज की रिक्वायरमेंट है राइट तो इसके लिए क्या किया गया एक एसपीआईसी कंपनीज एक्ट के अंदर इस फॉर्म को एस पी आई सी फॉर्म बोल लो या आई या आई एन सी थर्टी टू बोल लो ठीक है वो लाया गया मतलब ये एक कंसोलिडेटेड फॉर्म है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करके जिसमें आप अप्लाई करके आप अपना पैन भी ऑप्टेन कर सकते हैं टैन भी ऑप्टेन कर सकते हैं एंड डिन भी ऑप्टेन कर सकते हैं ठीक है तो क्या हुआ जहां पे आपको तीन तीन इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग जगह पे अप्लाई करना पड़ता होगा वो अब चेंज होके क्या हो गया आपको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म भरना है और आपकी तीनों चीजों का सल्यूशन हो जाएगा आपके पास पैन भी आ जाएगा टैन भी आ जाएगा एंड डिन भी आ जाएगा इट इज जस्ट अ सिंगल फॉर्म एंड किसके लिए ओनली एंड ओनली फॉर कंपनीज एंड कॉरपोरेशन ठीक है राइट right. सो नेक्स्ट थिंग इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट ये एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है मुंबई में अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शॉप्स शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ता है जिसको भी अब हटा दिया गया क्योंकि देखो जितने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उनको करते करते उनमें टाइम वेस्ट करके कॉस्ट लगा के आपका बिजनेस स्टार्ट होने में उतनी ही देरी होगी तो क्या किया जा रहा है ऐसे रिफॉर्म्स लाए लाए जा रहे हैं जिससे आप इंस्टेंटली नॉट लाइक इंस्टेंटली कि अभी बोला है इन नेक्स्ट मोमेंट बट इंस्टेंटली इन अ स्पैन ऑफ वन और वन एंड हाफ मंथ्स आप अपने एक बिजनेस के आइडिया को कन्वर्ट करके बिजनेस में ला सके इसके लिए सारे अटेम्प्ट लिए जा रहे हैं राइट एंड ये कह रहा है डिस्टेंस टू फ्रंट एयर इम्प्रूव्ड फ्रॉम सेवेंटी फाइव पॉइंट फोर्टी टू एटी पॉइंट नाइन सिक्स राइट जितना बिजनेस के लिए अपन ने यहाँ पे टेबल में देखा डी टी फैक्टर नीचे बोल रहा है बट बिजनेस स्टार्ट होने के लिए वन फिफ्टी सिक्स से आप वन थर्टी सेवन पे आए मतलब जो चेंज है वो 19 पोजीशन का है इसलिए आपका जो डी फैक्टर है उसमें कुछ इतना ज्यादा ड्रास्टिक नहीं है पहले 75 समथिंग था जो अब बढ़ के कितना हो गया है 80.96 ठीक है नेक्स्ट इज एक्सेस टू क्रेडिट मतलब फंड्स की अवेलेबिलिटी कितना क्विकली आपका पैसों का अरेंजमेंट आपके बिजनेस को चलाने के लिए होगा उतना ही क्विकली आप अपने बिजनेस को क्या कर पाएंगे एक्सपैंड कर पाएंगे इनहेंस कर पाएंगे तो क्या बोल रहा है ये रैंक इम्प्रूव फ्रॉम 29 नाइन टू ट्वेंटी सेकेंड ठीक है इसका डी जो था वो 75 से 80 पे आया स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल राइट इंडेक्स इंप्रूव फ्रॉम अभी जैसे अपन ने यहां पे देखा था ना इक्यूसी फैक्टर सॉरी बी फैक्टर्स बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स ऐसा ही एक एक्सेस टू क्रेडिट में स्ट्रेंथ ऑफ लीगल राइट इंडेक्स होगा जो कि एट से नाइन्थ पोजीशन पे क्या हुआ है इम्प्रूव हुआ है एंड लास्ट पॉइंट ये कह रहा है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स विल नाउ बी रीपेड फर्स्ट ड्यूरिंग द बिजनेस लिक्विडेशन एंड हैंड्स गिवन प्रायोरिटी मतलब डेटर जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं ठीक है अगर आप अपने बिजनेस को लिक्विडेट कर रहे हैं आज की डे में तो आपके जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे से फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक है जिनसे आपने कोई भी बोरोइंग्स अंडरटेक किए हैं पर्टिकुलरली फॉर योर बिजनेस तो उन बिजनेस को रीपे मतलब उन बिजनेस को आपने लोन लेने के लिए आपने कुछ ना कुछ कोलैटरल दिया होगा कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दी होगी तो वो क्या हो गई आपकी वो बोरइंग्स आपकी सिक्योर्ड हो गई तो अब इन सिक्योर्ड बोरइंग को क्या मिलेगा एक एड ऑन एडवांटेज मिलेगा कि कल उठ के अगर आपका बिजनेस लिक्विडेट हो रहा है लिक्विडेट मींस बंद हो रहा है तो इन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को क्या किया जाएगा सबसे पहले पैसा पे किया जाएगा राइट तो इससे क्या होगा अगर बैंक के पास ये सिक्योरिटी के यार अगर आज मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को पैसा दिया और कल उठ के इसका बिजनेस अगर नहीं चला तो मेरे पैसे का क्या तो गवर्नमेंट कहती है अगर यार ऐसा भी होता है तो जब बिजनेस लिक्विडेट होगा तो सबसे पहले आपने जो पैसा लगाया है आपको वो मनी क्या किया जाएगा रिटर्न किया जाएगा तो ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है किसको जो पर्सन आपको क्रेडिट दे रहा है राइट right? नेक्स्ट फैक्टर इज एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इसमें यह बोल रहा है प्रोसेजर्स रिड्यूज फ्रॉम फाइव टू थ्री इन डेली एंड फ्रॉम फाइव टू फोर इन मुंबई ठीक है इलेक्ट्रिसिटी uh, ऑप्टेन करने के लिए आपको वहां के पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर जाके रजिस्टर करना पड़ता है तो उसमें जितना भी प्रोसेजरल टाइम जो भी है वो रिड्यूज हुआ फ्रॉम फाइव टू थ्री इन डेली एंड मुंबई में फ्रॉम फाइव टू फोर और डी फैक्टर जो है इसका इम्प्रूव हुआ 85.21 से 89.15 सी अभी ये जो इन पर्टिकुलर इंडिकेटर्स को आप एक बार समझ लीजिए कि क्या हो रहा है इसमें किन-किन फैक्टर्स -किन पे बेस्ड रैंकिंग की जा रही है जस्ट वो चीजें आपको थोड़ी सी समझ नहीं आई एम नॉट सेइंग आपको क्रैम करना है आपको रटना नहीं है आपको सिर्फ समझना है और जो डी फैक्टर्स हैं अगर आप इनकी रैंकिंग्स को स्कोर्स को याद अगर कर सके तो बहुत अच्छी चीज है अगर नहीं तो भी चलेगा एक रैंडम फिगर आपको याद होना चाहिए कि हाँ ठीक है थर्टी एट पॉइंट समथिंग थर्टी एट था और अब वो कितना है सेवेंटी थ्री ठीक है अपन ने ये पांच इंडिकेटर्स देखे आगे क्या बोल रहा है ये इंप्रूवमेंट हैज टेकन प्लेस ड्यू टू कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कैरी आउट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स मतलब इंप्रूवमेंट क्यों देखने को मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रही है रिफॉर्म्स मींस चेंजेस ला रही है ठीक है जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव वो कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स मतलब इत, जो uh, बहुत यू नो टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स थे उनको अब सरल बना रही है ठीक है सपोर्टेड बाय ब्यूरोक्रेसी विच हैज चेंज इट्स माइंड फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फेसिलिटेटर और ये सारी चीजें क्यों हो रही है बिकॉज नाव गवर्नमेंट इज ऑफ द व्यू की यार हम सिर्फ रेगुलेट करने वाले लोग नहीं हैं, वी आर फैसिलिटेटर्स ऑल्सो मतलब हमें चीजों को मॉनिटर तो करना ही है बट मॉनिटरिंग के साथ साथ आपको क्या करना है एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवानी है तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं बिकॉज जो ब्यूरोक्रेसी ने अपने माइंडसेट को चेंज किया कि हम सिर्फ रेगुलेटर्स नहीं हैं हम एक फैसिलिटेटर्स हैं और हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे और, और ज्यादा बेहतरीन फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी राइट नेक्स्ट क्या बोल रहा है The government has undertaken an extensive exercise of stakeholder consultation to understand challenges of the industry, process re engineering to provide simplified and streamlined processes to create a more conducive business environment in the country. is si a government kya kar hai? Government kya kar hai? Different, different stakeholders. Hai. Matlab, अपना जो इकोनॉमी है अलग अलग सेगमेंट में क्या है डिवाइडेड है ठीक है और हर पर्टिकुलर सेगमेंट के कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट हैं ठीक है ठीके? कुछ ना कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट का उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पूरा इंसाइट बता सकते हैं ठीक है ठीके? अभी एक पर्सन है जो छह डिपार्टमेंट को रेगुलेट कर रहा है राइट और डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग मैनेजर्स हैं तो अगर आज मैं फॉर एग्जाम्पल उस छे डिपार्टमेंट्स को रेगुलेट कर रही हूं तो मैं क्या देखूंगी उन छह डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखूंगी राइट बट उन डिपार्टमेंट में फ्रॉम फ्रो टू एंड क्या चीजें हो रही हैं वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को ही पता होगा क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है वो मुझे नहीं मुझे उन चीजों से मतलब नहीं है आई एम कंसर्न विद द एंड रिजल्ट तो गवर्नमेंट ने भी इस ये ही माइंडसेट के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमें अलग अलग कंसल्टेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी किस चीज के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी कि हम प्रोसेस जो है उनको रीडिफाइन कर सकें इस तरीके से रीडिफाइन कर सकें कि वो सिंप्लीफाइड हो मीन्स थोड़े ईजी हो जाए लोगों के समझ में आए और बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसा हो जाए कि लोगों को लोगों के बिजनेस को ज्यादा इंपैक्ट ना हो राइट एज अ रिजल्ट ऑफ continuous एफर्ट्स इंडियाज रैंक हैज इंप्रूव्ड ठीक है 2014 के अंदर ओवरऑल रैंक अभी देखो ये यहां पे आ गया इसका ओवरऑल ये टेबल आप ठीक है ये टेबल अपन ने ऊपर देखी थी 2016 में 130 से हंड्रेड एंड देन तो उससे पीछे अगर आप चले जाएंगे तो यहां पे 12 पोजीशंस का जंप है यहां पे थर्टी पोजीशन का जंप है और यहां पे 23 पोजीशंस का जंप है और ऐसे अगर आप डी फैक्टर देखेंगे तो ये अपन ने ऊपर देखा था और ये पूरे चार सालों का डी फैक्टर है राइट ठीक है द एट इंडिकेटर्स इन विच इंडिया हैज इम्प्रूव इट्स रैंक ओवर लास्ट फोर ईयर्स तो ये वाला टेबल आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा जब आप ये चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे इसमें कुछ भी नहीं है ऊपर अपन ने कौन कौन से इंडिकेटर्स लिए थे कंस्ट्रक्शन परमिट अपन ने देख लिया गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी देख लिया ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स देख लिया पेइंग टैक्सेस रिजोल्विंग इंसॉल्वेंसी इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग बिजनेस अपन ने देखा एंड गेटिंग क्रेडिट तो पांच फैक्टर्स अपन ने देखे इसके अंदर एडिशनल फैक्टर्स हैं जो नीचे वापिस डिस्कस किए गए हैं तो उसमें अपन हर एक चीज इनको डिस्कस करेंगे इधर सोर्स लिया गया है कि ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर्स के रैंकिंग्स हैं आपको आपके मॉड्यूल में कहां से दिए गए हैं ये सोर्स बताया गया है पी आई बी डॉट जीओवी डॉट इन से आपको यो डेटा क्या किया जा रहा है प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं क्यों और ये अपन ऊपर जो देखा था वो लास्ट टू इयर्स का है ये लास्ट फोर इयर्स का है राइट ठीक है साहब नेक्स्ट टॉपिक एक काम करते हैं क्विकली फाइव मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड देन वील स्टार्ट विथ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय डी ठीक है

ठीक है स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक जो अपन ने देखा देखा वो देखा था ऑफ डूइंग बिजनेस किसने वो इंडेक्स प्रोवाइड किया था किसने रैंकिंग्स प्रोवाइड की थी वर्ल्ड बैंक ने अभी एक यहाँ पे अदर एंटिटी है दूसरा डिपार्टमेंट है जिसने इंडेक्स किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फॉर स्टेट्स ठीक है क्या बोल रहा है ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इन कोडिनेशन विध सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी हैजन सेवरल रिफॉर्म मेजर्स विध एंड एम टू इम्प्रूव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड फेसिलिटेट डूइंग बिजनेस इन इंडिया सी जो वर्ल्ड बैंक है वो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग प्रोवाइड करवाता है बट अगर आपको वहां अगर कंपीट करना है तो इंटरनली आपको उस कंपटीशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा तो जो जैसे वर्ल्ड में रैंकिंग दी जाती है जिन जिन फैक्टर्स को वर्ल्ड में देखा जाता है रैंकिंग प्रोवाइड करने से पहले तो इंडिया क्या कर रहा है इंटरनली उसने अपने आप को उन रैंकिंग्स के लिए प्रिपेयर किया है उन रैंकिंग्स को मेजर कौन करता है डीपीआईआईटी विच इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जिसने कोऑर्डिनेट किया किसके साथ कोऑर्डिनेट किया गवर्नमेंट ऑफ अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट के साथ यूनियन टेरिटरीज के साथ और बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए बहुत सारे मेजर्स बनाए जिसमें सोल एंड सोल पर्पस क्या था उन मेजर्स का कि हमें क्या करना है ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है ऐसा इन्वायरमेंट यू नो आए इन पिक्चर कि जो बिजनेस है वो अच्छे से क्या कर सके रन कर सके बिजनेस जो है जिसको बिजनेस और ईज़ हो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनकी जो डिफिकल्टीज हैं उनके जो प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व किया जाए क्यों क्योंकि कल उठ के जब वर्ल्ड बेसिस पे रैंकिंग होगा तो इंडिया को दूसरी कंट्रीज के साथ कंपीट करना है तो अगर इंटरनली कंपीट करके इंडिया अपना सेल्फ रैंक एक्सेस कर सक कर सके एंड देन वो क्या कर सके दूसरी कंट्रीज के साथ कंपीट कर सके राइट right? ठीक है फर्स्ट इज वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस असेसमेंट जो अपन ने ऊपर देखा था वर्ल्ड बैंक रिलीज डूइंग द डीबीआर टू थाउजेंड नाइनटीन ऑन थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबर टू थाउजेंड एटीन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने डीबीआर 2019 कब रिलीज किया था उसने रिलीज किया था 31 अक्टूबर 2018 को जिसमें इंडिया का रैंक अपन ने देख लिया 190 कंट्रीज में सेवेंटी सेवेंथ रैंक था और इंडिया ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना 23 पोजीशंस का जंप लिया है The DBR is an assessment of 190 economies and covers 10 indicators which span the life cycle of the business. ऐसे indicators जो business की life cycle में अलग-अलग stage पे आते हैं, right? The indicators wise rank in India in World Bank. अभी ये जो 2019 के है, आपको हर एक indicator के ranks को याद करना पड़ेगा overall. This is mandatory. आपको ये याद करना ही करना है. ये वाली चीजें ठीक है इससे पहले जो अपन ने डेटा से रिलेटेड जो भी चीजें पड़ी लाइक like, ये वाली चीजें एंड जो इंडिकेटर्स में आपने ये फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन ये सिर्फ आपको समझना है याद नहीं करना बट अभी जो नीचे पर्टिकुलर टॉपिक है उसके अंदर जो रैंकिंग है वो आपको याद करनी है जैसे आपका एमसीक्यू आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ठीक है जो डीबीआर रेट आई थी उसमें स्टार्टिंग अ बिजनेस का क्या रैंक था तो आपको याद होना चाहिए वो रैंक वन थर्टी सेवेंथ रैंक था ऐसे ही अगर कंस्ट्रक्शन परमिट्स की बात की जाए तो फिफ्टी टूथ रैंक था गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ट्वेंटी फोर एंड ऐसे करते करते ओवरऑल इंडिया का जो रैंक था टू डीबीआर रिपोर्ट का वो सेवेंटी रैंक था एंड कंपेयर टू लास्ट उसने ट्वेंटी थ्री पोजिशन क्या किया है जंप किया है राइट right? अब सम ऑफ द द मेजर इंडिकेटर वाइज रिफॉर्म्स बाय गवर्नमेंट टूवर्ड्स ईजिंग द बिजनेस एनवायरमेंट इन द कंट्री आर एज अंडर ठीक है अभी जो ओवरऑल ऊपर क्या किया फिगरेटिव फैक्ट बेसिस पे बात की गई कि यार अगर आज आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके अंदर जो प्रोसीजरल टाइम है टाइम ठीक है उसके अंदर जो कॉस्ट से रिलेटेड फैक्टर्स है उसमें क्या रैंकिंग है बट यहां पे क्या कर रहा है कैसे वो रैंकिंग आ रही है पिक्चर में उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है राइट स्टार्टिंग अ बिजनेस देखते हैं ये क्या बोल रहा है द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी हैज बीन एलिमिनेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट टू कंपनीज एक्ट 2013 आया था जिसमें ये चीज हटाई नहीं गई थी आप आगे इस चीज को देखेंगे जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया पहले क्या होता था कंपनीज में रजिस्टर करने के लिए अगर आज आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको बिजनेस किस फॉर्म में करना है एक कंपनी बना के आपके बिजनेस को आगे लेके जाना है तो आपको या तो आप पब्लिक कंपनी बनाएंगे या तो आप क्या बनाएंगे प्राइवेट कंपनी बनाएंगे राइट तो अब एक्ट को अमेंड कर दिया गया ये बोला गया कि पहले क्या हुआ करता था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट थी तो अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है एज अ कंपनी और उसके पास उतना कैपिटल नहीं है तो उसको क्या करना पड़ता था सोचना पड़ता था कि यार मैं कंपनी के फॉर्म में अपने बिजनेस को ऑपरेट करूं या नहीं करूं तो इसलिए कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाया गया टू में और वो प्रोविजन जो था वो पर्टिकुलर प्रोविजन फॉर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको क्या किया गया हटाया गया ठीक है इंट्रोड्यूस्ड अ सिंगल फॉर्म स्पाइस जो अपन ने ऊपर अभी देखा था पैन के लिए टैन के लिए और डिन के लिए आपको अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है आप एक सिंगल कंसोलिडेटेड आई एन सी थर्टी टू दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्म आपको याद रखना है अगर आपने ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया कंपनी रजिस्टर करते वक्त तो आपका पैन का रिक्वायरमेंट टैन का रिक्वायरमेंट और डायरेक्टर्स जो कंपनी के अंदर होंगे उनके डिन का रिक्वायरमेंट एक ही कंसोलिडेटेड फॉर्म से क्या हो जाएगा फुलफिल हो जाएगा बाय मर्जिंग फाइव डिफरेंट एप्लीकेशन दैट इज नेम रिजर्वेशन अभी ऊपर अपन ने देखा था कि तीन चीजें थी इसके अलावा दो और भी चीजें हैं वो क्या कह रहा है नेम रिजर्वेशन अभी अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं ठीक है थीके? तो आपको आपकी कंपनी को कोई नाम देना पड़ता है तो आप स्पाइस फॉर्म के थ्रू फॉर्म आईएनसी के थ्रू आप अपने नेम का भी रिजर्वेशन करवा सकते हैं राइट right? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं सिंपल सी चीज है अगर आप आईएनसी 32 फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए भी वही फॉर्म है कंपनी का अगर नाम रिजर्व करवाना है तो भी वही फॉर्म है डिन डायरेक्टर्स के डिन के लिए अप्लाई करना है टैन के लिए अप्लाई करना है या पैन के लिए अप्लाई करना है तो ये जो फॉर्म है फॉर्म आई एन सी टोटल फाइव डिफरेंट चीजों को मर्ज करता है क्या किस चीज के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए सेकेंड नेम के रजिस्ट्रेशन के लिए डिन के लिए पैन के लिए और टैन के लिए ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ये इंट्रोड्यूस एन ई फॉर्म एजाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है अगर आज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है आपने बिजनेस स्टार्ट किया आप क्या करेंगे चलो तीनों सेक्टर्स की बात कर लेते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं राइट right? या आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तीनों ही सिनारियों में इंडिया में आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा जीएसटी एप्लीकेबल होगा ठीक है साहब अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर आपको क्या करवाना पड़ेगा आपके बिजनेस को इनरोल करवाना पड़ेगा जी एस टी आई एन एक नंबर होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा इसके अलावा यह भी हो सकता है यार कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं ठीक है अब वो एम्प्लॉयमेंट अगर छोटे लेवल पे है ठीक है कि लाइक आप दो तीन लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं या आप दस बारह लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो पी प्रोविडेंट फंड के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे और ईसआईसी इंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रही बट अगर अपन बड़े लेवल पे बात करें ठीक है लाइक रिलायंस इंडस्ट्री में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है ठीक है तो वो कंपनी वर्ल्ड वाइड अपने लाइक like, इंडिया में हर स्टेट के अंदर बिजनेस करेगी राइट तो अगर हर स्टेट के अंदर बिजनेस कर रही है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी एम्प्लॉयमेंट करिएगी तो अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल कि सपोज फाइव हंड्रेड एम्प्लॉयज इंप्लॉय कर रहे हो आप ठीक है तो उनको आप सैलरी पे कर रहे हो और एक मॉनिटरी लिमिट होती है ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंदर जिस लिमिट को अगर आपने क्रॉस किया तो आपको इन दो एक्ट्स के अंदर भी रजिस्टर करवाना पड़ता है ठीक है तो अभी रिलायंस ग्रुप के अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है और हमने एग्जाम्पल लिया कि वहां पे फाइव हंड्रेड एम्प्लॉइज है ठीक है तो वहां पे आप उनको क्या करेंगे सैलरी पे करेंगे तो सैलरी अगर पे कर रहे हैं और वो मॉनिटरी लिमिट्स अगर अट्रैक्ट हो रही हैं तो ये वाले प्रोविजंस भी पिक्चर में आ जाएंगे तो आप जीएसटी के लिए तो रजिस्टर करवा ही रहे हैं तो साथ में आप स्टेट इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड के के लिए भी रजिस्टर करवा दीजिए तो इसके लिए क्या है एक कंसोलिडेटेड फॉर्म है जैसे ऊपर इनकॉर्पोरेशन के लिए कंसोलिडेटेड फॉर्म था फॉर्म आईएनसी ऐसे ही नीचे एक ई e फॉर्म है एजाइल करके कंसोलिडेटेड फॉर्म जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा फाइल करना पड़ेगा एनी एप्लीकेंट इफ ही टू रजिस्टर फॉर एनी ऑफ दीज बॉडीज कैन फिल इन ई फॉर्म एजाइल एंड गेट रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ कंपनी इन इनकॉर्पोरेशन इट सेल्फ दिस फॉर्म इनेबल्स अ यूजर टू अप्लाई फॉर जीएसटी ईपीएफ एंड ई एस आई ठीक है तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि स्पाइस फॉर्म के लिए आप पांच रिक्वायरमेंट्स का फुलफिल एक ही कंसोलिडेटेड फॉर्म फिल करके कर सकते हैं और एजाइल फॉर्म के अंदर आप तीन चीजों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं या आपको ईपीएफओ के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है या ईएसआईसी के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है या आपको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है आप एक सिंगल कंसोलिडेटेड फॉर्म फिल करिए आपकी तीनों रिक्वायरमेंट क्या हो जाएंगी फुलफिल हो जाएंगे ठीक है साहब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है लॉन्च ऑफ ए न्यू एंड सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड सर्विस दैट इज आर यू एन रिजर्व यूनिक नेम फॉर रिजर्विंग ने रिक्वायरमेंट मीन एक वेबसाइट है जिस पे जाके अभी कंपनीज के लिए ऊपर जो अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना जो स्पाइस आईएनसी फॉर्म था उसके अंदर आप कंपनी के नेम रिजर्वेशन के लिए बट अगर आप इनकॉर्पोरेट कंपनी बन के अपना बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं से फॉर एग्जांपल आप एक प्रोपराइटरशिप हैं और आप को आपके नेम को क्या करना पड़ रहा है रजिस्टर करवाना है तो एक वेबसाइट है सिंप्लीफाइड वेबसाइट लॉन्च की गई जो सिंपल लोग भी उसको समझ सके जिसका नाम था रिजर्व यूनिक नेम फॉर रिजर्विंग अ नेम आपके बिजनेस के नाम को रिजर्व करने के लिए ताकि आपके बिजनेस के नाम को कोई और आपकी परमिशन के विदाउट क्या यूज नहीं कर सके तो इसमें एक रिक्वायरमेंट हुआ करती थी कि आपको जो वो फॉर्म है डिजिटली साइन करना पड़ रहा है ठीक है अभी आप देखेंगे आगे जब आप अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे तो आप ऑनलाइन अगर कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं ना तो आपको डिजिटल सिग्नेचर से सिग्नेचर्स करने होते हैं जिसको डीएससी बोला जाता है तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे वो डीएससी की रिक्वायरमेंट को क्या किया गया हटाया गया क्यों हटाया गया सी अगर ये कह रहे हैं कि हमने सिम्प्लीफाइड वेबसाइट बनाई मीन्स आज कोई पर्सन जो प्रोप्राइटरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है वो खुद ही अपने आप उस पोर्टल पे जाके खुद के नाम को रिजर्व करना चाह रहा है बट अब जरूरी तो नहीं ना हर किसी के पास डिजिटल सिग्नेचर हो इसलिए इस रिक्वायरमेंट को क्या किया गया हटा दिया गया इनकॉर्पोरेशन फीस रिड्यूस टू जीरो फॉर कंपनीज व्हिच इज ऑथराइज्ड कैपिटल अप टू 15 लाख अगर आप आज कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ठीक है तो आपका जो आ, ये ऑथोराइज कैपिटल है उस कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल आई एम नॉट सींग इशूड आपने देखा होगा इन योर ट्वेल्थ अगर आपने कंपनीज ये कंपनीज पार्टनरशिप इसमें देखा होगा कि आपकी ऑथोराइज कैपिटल आपकी पेड अप कैपिटल ठीक है ये सारी चीजें अलग होती है तो यहाँ पे मैंडेटरली ऑथोराइज कैपिटल की आप रजिस्टर ही इस कैपिटल के साथ हुए हैं आप ड्यूरिंग योर बिजनेस आप इस कैपिटल को जब तक आप चेंज नहीं करें तब तक आपकी ऑथोराइज कैपिटल उतनी ही रहेगी तो अगर आपकी ऑथोराइज कैपिटल 15 लाख है तो आपके लिए यहाँ पे एक बेनिफिट है वो क्या है बेनिफिट कि आपके लिए जो इनकॉर्पोरेशन फीस है वो अब क्या कर दी गई है जीरो कर दी गई है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है द रिक्वायरमेंट टू इशू अ फिजिकल पैन कार्ड हैज बीन एलिमिनेटेड एडिशनली पैन कार्ड एंड टैन आरशन इन दर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच इज कंसिडर्ड एज क्या होता था बिजनेस के लिए सेपरेट पैन और टैन का आपको क्या करना पड़ता फिजिकल फॉर्म में बहुत जगह पे रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको सबमिट करना पड़ता है बट अगर आप क्या कर रहे हैं अभी कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आपका जो सीओआई है ठीक है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसके अंदर आपका पैन और टेन मैंशन है ठीक है तो वो क्या किया जाएगा सेल्फ सफिशियंट डॉक्यूमेंट माना जाएगा और आपको फिजिकली पैन कार्ड कहीं भी देने की जरूरत नहीं है आपने अगर अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया तो वो सेल्फ सफिशियंट माना जाएगा राइट नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ऑनलाइन एंड कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ एंड ई एस आई सी इज प्रोवाइडेड ऑन श्रम सुविधा पोर्टल ठीक है आपको अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जाके ईपीएफ और ईएसआईसी के लिए क्या कर सकते हैं रजिस्टर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर मुंबई शॉप एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट आर प्रोवाइडेड इन रियल टाइम विदाउट एनी कॉस्ट एंड रियल इंस्पेक्शन रियल टाइम मतलब अगर आपने बिजनेस में कोई आ, मतलब सॉरी मुंबई में अगर आपने कोई बिजनेस करना है तो आपको शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है राइट right? तो ये कह रहा है कि अब आप रियल टाइम में मींस हैंड टू हैंड वो रजिस्ट्रेशन अपन करवा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट ठीक है विदाउट एनी कॉस्ट और इंस्पेक्शन मींस वो डिपार्टमेंट अपन से क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए क्रॉस इंस्पेक्शन नहीं करेगा रियल टाइम में आप गए आपने कुछ प्रोसीजर रिक्वायरमेंट फुलफिल की और आपका उस पर्टिकुलर एक्ट uh, के अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा रजिस्टर कर दिया जाएगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ठीक है लास्ट पॉइंट इज एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सी ऐसा होता था जब पहले सर्विस टैक्स था वैट था ठीक है आप पुराने लॉस के अंदर रजिस्टर थे और आप पुराने लॉस से नए लॉज में आए ठीक है नया लॉ क्या है जीएसटी उसमें आए आपने क्या किया ट्रांजेक्शन किया तो उस ट्रांजेक्शन के अंदर सेवरल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी राइट आपको आपका आपका आधार कार्ड देना है है आप जहां जिस से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं ठीक वहां का कुछ आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा आपको आपका एज प्रूफ देना पड़ेगा तो उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट और हुआ करती थी विच वॉज योर बैंक डिटेल एंड विच वॉज मैंडेटरी ठीक है जब हम लोग मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हम लोग देख रहे थे तब वो बैंक डिटेल का प्रोविजन जो था वो मैंडेटरी था तो अब उस प्रोविजन को क्या कर दिया गया है हटा दिया गया है ठीक है ठीक है साहब ये था अपन ने स्टार्टिंग का बिजनेस मतलब ये ये क्या कर रहा है आपको बिजनेस करने के लिए जो दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को वन बाय वन करके क्या किया जा रहा है सॉल्व किया जा रहा है राइट नेक्स्ट पॉइंट इज डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट्स एंड ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूज इन डेली बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन डेली ठीक है एंड मुंबई बाय म्युनिसिपल कार इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिपार्टमेंट रिमूविंग रिक्वायरमेंट ऑफ विजिटिंग दम इन इंडिविजुअली ठीक है एक सिंगल अभी तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन ठीक है आपको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ठीक है अलग अलग You know, uh, अलग अलग जगह पे जाके चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई चीज में रजिस्ट्रेशन लेना है या आपको कोई काम करना है या आपको किसी चीज की परमिशन लेनी है ठीक है ना एवरी थिंग इज टर्निंग यू नो ऑनलाइन आपके पास फोन है आप एक्सेस कर सकते हैं उस चीज के लिए परमिशन लेनी है आप ऑनलाइन परमिशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं तो इसी तरीके से एक सिंगल विंडो इंट्रोड्यूस की गई कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस की गई म्यूनि डेली का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने इंट्रोड्यूस की और जो मुंबई का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने इंट्रोड्यूस की ना कि सिर्फ इंट्रोड्यूस की उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिपार्टमेंट्स हैं जाके अगर जहां पे आप फिजिकल वर्ल्ड में जाते तो आपको ऐसा बोला जाता है कि ठीक है आप जाइए ये फॉर्म फिल करके इस डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आइए ठीक है अगर आप कभी लाइसेंस बनवाने गए होंगे अपना तो आपने देखा होगा आपको फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भेजा जाता है कि आप इनके साइन लेके आइए आप उनके साइन लेके आइए आप ये रिक्वायरमेंट करिए देन हम क्या करेंगे आपका ये पर्टिकुलर काम करेंगे तो इसलिए यहां पे क्या गया जब ये सिंगल विंडो पैनल बनाया गया तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिपार्टमेंट क्या है उनको इंटीग्रेट किया गया ताकि जो पर्सन रजिस्टर हो रहा है जो पर्सन उस पर्टिकुलर चीज में काम कर रहा है जो पर्सन उस पर्टिकुलर चीज के लिए अप्लाई कर रहा है उसको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट क्या नहीं जाना पड़े राइट right? ठीक है सब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉस टू थाउजेंड सिक्सटीन हैज बीन इंट्रोड्यूस इन डेली तो ये कह रहा है कि यूनिफाइड मीन्स पूरे डेली के लिए एक जो कॉमन लॉज होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डीम्ड अप्रूवल हैज बीन इंट्रोड्यूस इन डेली इफ अप्रूवल्स आर नॉट ग्रांटेड विद इन डिफाइंड टाइम राइट ठीक है आपने एक कुछ चीज के लिए अप्लाई किया आपने अप्लाई किया है कोई पर्टिकुलर अप्रूवल के लिए आप किसी से परमिशन ले रहे हैं बट ऐसा है कि परमिशन उस उधर दिया हुआ है उस एप्लीकेशन फॉर्म में कि थर्टी डेज के अंदर अंदर आपको क्या दिया जाएगा अगर परमिशन दे दी जाती है तो आपको बता दिया जाएगा और अगर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है तो भी आपको क्या किया जाएगा इंटीमेट किया जाएगा राइट जस्ट अ सेकेंड डीम्ड अप्रूल ठीक है डीम्ड अप्रूवल है अगर आपको अप्रूव किया जाता है तो भी बताया जाएगा और अगर रिजेक्ट किया जाता है तो भी बताया जाएगा दोनों ही कंडीशन के अंदर ठीक है इंटीमेट किया जाएगा बट अब क्या रिफॉर्म लाया अभी ये बोल रहे हैं कि अगर आपको परमिशन नहीं दी गई ठीक है प्रिस्क्राइब्ड टाइम में तो ये मान लिया जाएगा कि आपको क्या हो गई है परमिशन अलॉट कर दी गई है राइट नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर फास्ट ट्रैकिंग बिल्डिंग प्लान अप्रूवल इंस्पेक्शन एंड ग्रांट ऑफ ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट ठीक है कुछ कैटेगरीज होती थी कुछ फैक्टर्स होते थे जिसमें बिल्डिंग्स के लिए अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें बिल्डिंग्स को क्लासिफाई किया जाता था तो अभी क्या किया गया है कुछ फास्ट ट्रैक प्लान लाया गया है जिसके अगर पैरामीटर्स में आप आते हैं तो क्या किया जाएगा आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी काम होगा जब सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपका फोर्थ फ्लोर का बिल्डिंग है आपको एक्सपैंड करवाना है सेवेंथ फ्लोर तक तो अभी क्या हो रहा है फास्ट फास्ट फॉरवर्ड बिल्डिंग प्लान लाइक आप अपने बिल्डिंग का ब्लू प्रिंट लाइए आप क्या क्या मिटिगेटरी मेजर्स ले रहे हैं वो बताइए ताकि इससे रिलेटेड जो भी परमिशन रिक्वायरमेंट है ठीक है जो आप परमिशन लेना चाहते हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल मिल सके ठीक है वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग नोटराइज सर्टिफिकेट और एफिडेविट फॉर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल हैज बीन रिप्लेस्ड विथ अंडरटेकिंग इन डेली ठीक है पहले क्या हुआ करता था आपको अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन प्लान है उसको नोटरी साइन करवाना पड़ता था ठीक है एफिडेविट बनवाने पड़ते थे बट अब वो रिक्वायरमेंट भी क्या कर दी गई है हटा दी गई है राइट नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल इंस्पेक्शन एट कंप्लीशन स्टेट पे पहले मल्टीपल इंस्पेक्शन हुआ करते थे ठीक है अब उनको रिप्लेस करके एक सिंगल इंस्पेक्शन होगा पहले मल्टीपल हुआ करते थे अब क्या होगा सिंगल इंस्पेक्शन किया जाएगा रोड कटिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वॉटर एंड स्यूअर कनेक्शन हैज बीन सिंप्लीफाइड ठीक है साहब नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट अ सेकेंड राइट ठीक है सो लास्ट पॉइंट अपन ने करा डील deal किया डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट ठीक है कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होते हैं उसमें क्या एड ऑन चेंजेस आए हैं क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या करने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए वो चीज अपन ने क्या करी डिस्कस करी नेक्स्ट पॉइंट इज गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोसीजर्स फॉर इंटरनल वायरिंग इंस्पेक्शन बाय इलेक्ट्रिकल इंक्स टोरेट इन डेली हैज बीन एलिमिनेटेड ठीक है पहले क्या हुआ करता था अगर आपको क्या करना है इलेक्ट्रिसिटी ठीक है अगर आप अपना नया बिजनेस बना रहे हैं और आपको वहां पर इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करवानी है तो पहले क्या हुआ करता था इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट एक पर्टिकुलर ऑफिशियल हुआ करता था जो आके पहले इंस्पेक्शन करेगा उसके बाद ही आपको परमिशन दी जाएगी राइट तो वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो थी उसको हटा दिया गया राइट इन डेली सर्विस लाइन चार्जेस है लो टेंशन लोड मीन्स अगर आप पर्टिकुलर उस एरिया में काम कर रहे हैं जो की इलेक्ट्रीफाइड एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर है और आपका जो कपेसिटी होगा आपका जो कंजम्पन होगा वो अगर वन फिफ्टी के किलो वॉट तक है तो आपका जो सर्विस लाइन मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो चार्जेस हैं उस पर कैप लगा दी गई है कि 25,000 तक मतलब दिस इज अपर लिमिट इससे कम भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर लोड कितना मतलब किलोवाट आपका कंजम्पशन किस बेसिस पे रहता है बट उस उसपे कैप लगा दी गई है कि ट्वेंटी से ज्यादा नहीं होगा राइट लास्ट पॉइंट इज टाइम टेकन बाय यूटिलिटी टू कैरी आउट एक्सटर्नल कनेक्शन वर्क हैज बीन रिड्यूस्ड इन डेली ठीक है पहले यूटिलिटी जो यूटिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लाई करने के लिए जो एक यूटिलिटी है बनाई गई है उसमें जो एक्सटर्नल कनेक्शन वर्क हुआ करते थे उसके लिए जो टाइम लिया आ, लिया गया होगा या आ, लगता होगा पर्टिकुलर टाइम उस चीज के लिए उस टाइम को भी क्या कर दिया गया है रिड्यूस कर दिया गया है ठीक है साहब ये अपन ने देखा इलेक्ट्रिसिटी मतलब बेसिकली इन चीजों को आपको सिर्फ एक बार समझना है रीड करना है जहां जहां पे चीजों को आपको मेमोराइज करना है वो मैं आपको बता रही हूं अलग से मार्क कर रही हूं लाइक लाइक नेक्स्ट टाइम आप बैठे तो वापस इस पूरे चैप्टर को आपको क्या नहीं करना पड़े वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करना पड़े राइट नेक्स्ट पॉइंट इज गेटिंग क्रेडिट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये पॉइंट अपन ने देखा कि अगर लिक्विडेशन हो रहा है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी तभी तो लोग इंटरेस्ट होंगे कि यार आज मैं अगर पर्टिकुलर पर्सन को पैसा दे रहा हूं और फ्यूचर में अगर कुछ हैपनिंग हो जाती तो मेरा पैसा मुझे अगर मिल जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास आइडियल फंडस पड़े मैं दे सकता हूं राइट right? ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज पेइंग टैक्सेस सेवेंटीन इनडायरेक्ट सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस हैज बीन रीप्लेसड विद अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर द इंटायर कंट्री ये देखा अपन ने पहले बहुत सारे टैक्सेस थे अलग अलग टैक्सेस थे देन उनको क्या किया गया मर्ज किया गया और इंडिया के लिए कंसोलिडेटेड टैक्स लाया गया जिसको बहुत ज्यादा कैंपेन चली थी उस टाइम कि वन नेशन वन टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स वन नेशन वन टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो इसलिए ये बोल रहा है कि पहले 17 कुछ लॉज होंगे सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे उनको मर्ज करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स में लाया गया और ये पूरे इंडिया के लिए कॉमन है ठीक है द प्रीवियस सेल्स टैक्स इंक्लूडिंग द सेंट्रल सेल्स टैक्स सैनवेट एंड स्टेट वैट एंड द सर्विस टैक्स हैज बीन मर्ज इन टू तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा है कि पहले कौन कौन से टैक्सेस हुआ करते थे जिनको जीएसटी में मर्ज किया गया है ठीक है नेक्स्ट बोल रहा है यूनिफिकेशन ऑफ दीज मींस इन टैक्सेस को यूनाइट करने का ठीक है क्या पर्पस रहा होगा गवर्नमेंट ने क्यों यूनाइट किया एक ही रीजन था कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स मीन्स टैक्स की चोरी ठीक है डबल टैक्सेशन ये वाली सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टैक्सेस को क्या किया गया हटा के एक कंसोलिडेटेड टैक्स में क्या किया गया मर्ज किया गया और पूरी ही कंट्री के लिए पूरी ही कंट्री के लिए पूरी कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं सबके लिए एक यूनिक पैटर्न एक यूनिक लॉ बनाया गया जो कि हर स्टेट में क्या है कॉमन है तो यूनिफिकेशन ऑफ दीज टैक्सेस विल रिड्यूस द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेज एंड मेक टैक्सेस पेड ऑन इनपुट क्रेडिटेबल टू अ हायर परसेंटेज ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम थर्टी टू ट्वेंटी फाइव फॉर कंपनीज अभी आगे जब आप डी लेंगे मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन जब आपके कोर्स में आएगा आगे जब आप पढ़ेंगे टैक्सेशन वाला पार्ट तो उसमें अलग अलग स्लैब्स होती हैं इंडिविजुअल हुआ या आप आ, क्या कहते हैं एज अ कंपनी रजिस्टर हो रहे हैं या आप पार्टनरशिप फर्म है या आप को सोसाइटी है, है सबके लिए टैक्स लिमिट्स अलग अलग दी गई हैं तो यहाँ पे वही चीज बोली है कि अगर आप कोई कंपनी है और आपका टर्न ओवर ये 2016-17 का टर्न ओवर है ये बढ़ के अब 17-18 के लिए 400 करोड़ हो चुका है विथ द चेंज इन बजट 2020 राइट right? तो ये वो दिया गया है 2016-17 में अगर आपका जो टर्न ओवर है वो 250 करोड़ तक है तो आपको कंपनी अगर आप हो तो आपको 30 परसेंट नहीं आपको 25 परसेंट ही टैक्स पे करना है तो ये एक पॉइंट यहाँ पे लिया गया है नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन इंट्रोड्यूस रिटर्न पेमेंट ठीक है मेकिंग पेमेंट ऑफ ई पी एफ हैज बीन मेड मेंडेट्रली इलेक्ट्रॉनिकली ठीक है ई पी एफ का पेमेंट मैंडेटरली क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली आप फाइल कर सकते हैं ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑन द इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम

तो बैंक भी कुछ सर्विस चार्ज ठीक है मंथली या क्वार्टरली या सिक्स मंथली मतलब लाइक हाफ ईयरली बेसिस पे आपसे चार्ज करता है आपके बैंक अकाउंट को क्या करने के लिए मेंटेन करने के लिए ठीक है तो ऐसे ही एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस थे जो कि क्या थे पॉइंट जीरो वन परसेंट उन चार्जेस को क्या कर दिया गया अब कंप्लीटली हटा दिया गया राइट नेक्स्ट इज ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स क्या बोल रहा है ये टाइम एंड कॉस्ट टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है इंक्लूडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग ऑफ कंटेनर्स अपग्रेडेशन ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइंग इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विथ डिजिटल सिग्नेचर ठीक है क्या बोल रहा है जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो और आप जिन कंटेनर्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो अपन ने ऊपर पॉइंट देखा था उनको अब क्या किया गया ह्यूमन इंटरवेंशन वहां से हटाया गया और इलेक्ट्रॉनिकली वो कंटेनर्स अब सील किए जाएंगे ठीक है पोर्ट अब पोर्ट फैसिलिटीज जो की गई उनको अपग्रेड किया गया और अगर आपको कोई फॉर्म सबमिट करना है इलेक्ट्रॉनिकली तो अब आप उस फॉर्म को कैसे डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अपडेट कर सकते हैं सबमिट कर सकते हैं राइट नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इनहसमेंट ऑफ रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ओनली अबाउट फाइव परसेंट ऑफ़ गुड्स आर फिजिकली सी ऐसा होता है जब पोर्ट पे पर्टिकुलर पोर्ट पे जहाँ पे गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो वहाँ पे इंस्पेक्शन वाली जो चीज होती है इंस्पेक्शन वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आगे देखेंगे कई Theft नहीं हो जाए क्योंकि माल बहुत बड़ी कंटेनर्स होते हैं ठीक है जिनको आप कहीं लेके नहीं जा सकते उनको पोर्ट पे ही क्या किया जाता है रखा जाता है पोर्ट पे ही बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं जहां पे आप उनको क्या करते हैं स्टोर करते हैं तो इंस्पेक्शन जो होता है ना उनके लिए जो उनका जो रिस्क होता है ठीक है क्योंकि जो इंस्पेक्शन आप फिजिकल इंस्पेक्शन सारे कंटेनर्स का नहीं कर सकते तो उनसे एसोसिएटेड जो रिस्क था उस रिस्क को भी क्या किया गया है कवर किया गया क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा आधे टाइम तक तो इम्पोर्ट करा या एक्सपोर्ट करा तो कस्टम्स में माल अटका रहता है और तब तक वहां पर रिस्क है मेरा माल अगर कोई लेके गया तो लॉस तो मेरा होगा ठीक है इसलिए उस रिस्क को भी क्या किया गया यहां पे कवर किया गया नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एडवांस बिल ऑफ एंट्री हैज बीन अडॉप्टेड विच अलाउस इम्पोर्टर्स टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कस्टम क्लियरेंस बिफोर अराइवल ऑफ द प्रोसेस ये पॉइंट मैंने जस्ट अभी लिया कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर चीज इंपोर्ट करी है आउट ऑफ इंडिया से तो क्या होता है अगर आपका आ, जो शिप है वो पोर्ट पे आ गया आपका जो पर्टिकुलर चीज आपने इंपोर्ट करी है वो अनलोड होके अब पोर्ट के वेयर हाउस में पड़ी है तो ऐसा होने में वो अनलोड होके वेयर हाउस में गई फिर एक बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है अपने माल को वहां से छुड़ाने के लिए ठीक है तो उस बिल ऑफ एंट्री में क्या होता है कि मैंने इस पर्टिकुलर कंट्री से क्या किया है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है इतनी क्वांटिटी में इंपोर्ट किया है इसकी कॉस्ट ये है इस पे मैंने इतनी ड्यूटी फाइल की है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको बिल ऑफ एंट्री जब माल को छुड़ाने के लिए लगती है बट अब क्या किया गया एडवांस बिल ऑफ एंट्री मतलब पहले ऐसा हुआ करता था कि माल आएगा उसके बाद आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे वो बिल ऑफ एंट्री चेक की जाएगी ठीक है उस पर स्टैंप लगेगा आपको वापस बिल ऑफ एंट्री दी जाएगी देन आप अपना क्या कर सकते हैं माल वहां से लेके जा सकते हैं बट अब उसको चेंज किया गया एक एडवांस बिल ऑफ एंट्री मतलब जब तक आपका इम्पोर्टेड मटेरियल इंडिया में आए उससे पहले ही आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की गई तो इससे क्या होगा जो टाइम आपका लगता है ठीक है आपके इंपोर्टेड मटेरियल को वेयर हाउस से लेके अपने वेयर हाउस में मींस पोर्ट वेयर हाउस से लेके अपने वेयर हाउस ले जाने में वो टाइम क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा राइट नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विपमेंट ऑफ नव सेना पोर्ट इन मुंबई हैज बीन अपग्रेटेड बाय एडिंग फिफ्टीन रबर टायर टायर गैंट्री क्रीन्स ओके द फेज वन ऑफ द फोर्थ कंटेनर टर्मिनल एट द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट विदिशनल एनुअल कैपेसिटी ऑफ ट्वेंटी फोर लैक डीईयूज वॉज कंप्लीटेड इन फेब्रवरी टू थाउजेंड एटीन ये क्या बोल रहा है ट्वेंटी यूनिट इक्वेलेंट यूनिट करके ट्वेंटी फुट इक्वेलेंट यूनिट करके एक यूनिट फॉर्म होता है जैसे आप के जीज देखते हैं ठीक है लीटर्स देखते हैं ऐसे ही पोर्ट पे क्या होता है कैपेसिटी किस फॉर्म में मेजर की जाती है टीईयूज फॉर्म में टीईय का फुल फॉर्म क्या है ट्वेंटी फुट इक्वेलेंट यूनिट तो वो कैपेसिटी को क्या किया गया इंक्रीज किया गया एडिशनल कैपेसिटी लाई गई कितनी एडिशनल ट्वेंटी फोर लाख एडिशनल टीईयूज बढ़ाए गए ठीक है फेबररी टू में द न्यू कंटेनर टर्मिनल अदानी सी एम एमंद्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन फुली ऑपरेशनल सिंस 2017 एन एडिशनल एनुअल कैपेसिटी ऑफ 13 लाख टीईयूज ओके तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात की गई जहां पे वो जून 2017 से ऑपरेशनल हुआ और उसने जो एडिशनल कैपेसिटी लेके आई वो कितनी कपेसिटी थी थर्टीन लाख ,00 की थी टीई यूज क्या होते हैं एक मेजरिंग कैपेसिटी है जिसका फुल फॉर्म क्या है ट्वेंटी फुट इक् वैलिट यूनिट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ई सांचित ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम अंडर द सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड हैज बीन इंप्लीमेंटेड इट अलाउ ट्रेडर्स टू सबमिट ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वही बात कर रहा है हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए ऐसे ही यहाँ पे अगर आप क्या कर रहे हैं अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए एक वेबसाइट बनाएगी जो अपन ने ऊपर देखा था ई e संचित एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है ठीक है जहां पे आप जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे फाइल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स फाइल कर सकते हैं राइट नेक्स्ट पॉइंट इज एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है ये National judicial data grid has been introduced, which make it possible to generate case measurement report on the local court. Means, अभी जैसे court के अंदर पहले क्या होता था जो भी case चले आ रहे थे right? उनको एक मोटी मोटी files में ठीक है document करके store किया जाता था ठीक है अब but with the changing scenario, क्या हो रहा है आपके लिए एक डेटा ग्रिड बनाया गया डेटा ग्रिड का मतलब क्या होता है ऐसा पर्टिकुलर पोर्टल ऑनलाइन जहां पे आप अपने डेटा को लार्ज नंबर में अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी का डेटा है तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं तो एक नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड बनाया गया जिसका बेनिफिट क्या हुआ आपको वो मोटे मोटे फाइल्स में फिजिकली डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है और लोकल कोर्ट्स में ठीक है सपोज आपका केस लोकल कोर्ट में चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं विद क्लिक ऑफ माउस आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं राइट नेक्स्ट पॉइंट इज द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 हैज बीन अमेंडेड टू रिड्यूस द पेक्यूनरी ड्यूरिस्डिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट फ्रॉम आई एन करोड़ टू आई एन आर थ्री टू स्टैब्लिश कमर्शियल कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल राइट right? तो उसके अंदर आपका अगर जो पेक्यूनरी ज्यूरिस्टिक्शन था मतलब मनी से रिलेटेड आपका कोई केस चल रहा है पेक्यूनरी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू मनी अगर मनी से रिलेटेड आपका कोई केस चल रहा है और वो मनी अमाउंट इन्वॉल्व उस पर्टिकुलर केस में एक करोड़ तक का है तभी उसको आप कमर्शियल कोर्ट्स में ठीक है लेके जा सकते थे आप अपने केस को फाइट कर सकते थे बट अब वो वन करोड़ का लिमिट को क्या किया गया रिड्यूस करके ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये लिमिट रिड्यूस करके वन करोड़ से थ्री लैक्स पे लाई गई क्या रहा होगा इसका रीजन इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अब क्या होता है जो कमर्शियल डिस्प्यूट होते हैं ठीक है उनका स्पीडी ट्रायल हो सके अगर आपका अमाउंट कम है और आप जा नहीं सकते तो आप लोकल कोर्ट्स में जाके फाइल करते हैं ठीक है फिर वहां पे केस पे केस डेट date पे डेट आपको मिलती जाती है और आपका जो केस है वो पेंडिंग रह जाता है पेंडेंसी में आ जाता है और आपको स्पीडी ट्रायल नहीं मिल पाता तो क्या किया गया कमर्शियल कोर्ट्स का जो मॉनिटरी लिमिट था उसको रिड्यूस किया गया ताकि अब क्या हो सके स्पीडियर डिस्पोजल हो सके और पेंडेंसी को रिड्यूस किया जा सके कैसे रिड्यूस किया जा सके अगर आपने टर्न मतलब लिमिट रिक्वायरमेंट आपने कम कर दी तो जो लोग ठीक है एक करोड़ से कम वाले थे वो भी अब क्या कर सकते हैं कमर्शियल कोर्ट्स में जा सकते हैं रिलेटेड टू मनी अगर उनका कोई केस है तो ठीक है लास्ट पॉइंट जो आता है यहां पे वो है रेजोल्विंग इंसॉल्वेंसी आगे जब आप लॉ पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव में लॉ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आईबीसी एक्ट 2016 ठीक है उस वो लाया गया था एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड इसका बेसिक बेसिक मोटिव मैं आपको बताती हूं आपका जो डेटर्स है ठीक है उनको कवर करना ठीक है आपने अगर किसी को पैसा दिया है तो आने वाले टाइम में अगर उस पर्टिकुलर पर्सन ने पैसा नहीं दिया और मेरा बेड डेट्स हो गया तो ठीक है कैसे आप पैसा रिकवर करेंगे अभी यहाँ पे छोटे लेवल पे बात नहीं हो रही है कि मैंने आपके फाइव हंड्रेड रुपीज ले लिया और आप मुझे रीपे करेंगे तो मैं आईबीसी में चली जाऊंगी राइट नहीं लाइक ला, मैंने अगर आपको फाइव हंड्रेड रुपीज दिए तो मैं आईबीसी में चल जाऊंगी यहाँ पे एक मॉनिटरी लिमिट है उस लिमिट के बियॉन्ड अगर आपने पैसा दिया है और आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो इस एक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड टू थाउजेंड सिक्सटीन हैज बीन अडोप्टेड दैट इंट्रोड्यूस अ रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स एंड फेसिलिटेटेड कंटिन्यूएशन ऑफ डेटर्स बिजनेस ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग सी अगर आपने इंसॉल्वेंसी में कोई केस किया है ठीक है आज मेरे डेटर्स हैं एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव करोड़ के मेरे डेटर्स हैं ठीक है बट आज मैं तो क्या कर रहा हूं उनसे पैसे लेने के लिए केस लड़ रहा हूं बट सामने वाला जो है अपने बिजनेस में ही लगा हुआ है ही इज नॉट सीरियस बिकॉज ही ही डजेंट वॉन्ट टू पे इसलिए तो मैंने केस किया है तो उसके लिए भी कुछ रिफॉर्म्स हैं कि डेटर्स और वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है या नहीं या अगर वो रिपेमिंग कैपेसिटी नहीं है तो उसके बिजनेस को लिक्विडेट करेंगे तो मतलब मेरे को पैसा मिलेगा या नहीं ये सारी चीजें इस कोड के अंदर क्या करी गई हैं डिस्क्राइब की गई हैं ये वैसे प्रैक्टिकली बहुत अच्छा टॉपिक है इसके ऊपर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से आई थिंक इस इंसॉल्वेंसी के ऊपर आपको एक एमसीक्यू जरूर आना चाहिए ये बोल रहा है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हैज बीन स्टैब्लिश फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग मीन ये सारे केसेस जो हैं उनको फाइट करने के लिए ठीक है एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हर जगह पे क्या किए गए हैं बनाए गए हैं राइट टाइम बाउंड रेजोल्यूशन प्रोसेस इज डन अंडर आईबीसी एंड लिक्विडेशन सी अभी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होता है इंडिया में अगर आपने कोई केस फाइल किया तो कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपका वो केस कब क्या होगा खत्म होगा ठीक है आपने जिस कंप्लेन के अगेंस्ट केस किया है कोर्ट में गए हैं आपको उसके लिए यू नो you know, रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या मतलब आपका टाइम आपका पैसा आपके जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर केस को जीतने के लिए वेस्ट हो जाएंगे इसलिए जब इंसॉल्वेंसी और बैंक कोड आया तो वहां पे क्या किया गया हर एक स्टेप पे टाइम बाउंडेशन लगाई गई क्योंकि अगर टाइम बाउंडेशन होगी जो ट्रायल होंगे वो स्पीडी होंगे राइट और अगर इन टाइम बाउंडेशन में भी आपका केस अगर सॉल्व नहीं किया गया तो तुम्हारा जो डेटर है उसको क्या करना पड़ेगा पैसा पे करने के लिए लिक्विडेट होना पड़ेगा ठीक है लिक्विडेट मीन अपने बिजनेस को बंद करेगा अपने बिजनेस को बेचेगा और अपने क्रेडिटर को पे करेगा राइट लास्ट पॉइंट बोल रहा है सेक्शन 42 टू ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक टू प्रोवाइड दैट अ क्रेडिटर हैज द राइट टू ऑब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग क्लेम्स अगेंस्ट द डेटर बॉर्ड बाय द क्रेडिटर इट सेल्फ एंड बाय एनी अदर क्रेडिटर्स ठीक है ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसको आपको इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है आईबीसी एक्ट के अंदर जो यहां पे एक कवर किया गया वो क्या बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर कोड आईबीसी 2016 के अंदर एक प्रोविजन था जो कि क्या बोलता है क्रेडिटर मींस मैं मेरे डेटर्स ने मुझे पैसा नहीं दिया मैं क्रेडिटर हूं मेरा डेटर है ठीक है तो डेट मतलब क्रेडिटर के पास एक एड ऑन बेनिफिट है क्या बेनिफिट है कि मैं क्या कर सकता हूं जो लिक्विडेटर होगा अभी see. ज एक एग्जाम्पल लेते हैं सी अगर मैं आई में गई ठीक है मेरा डेटर मुझे पे नहीं कर रहा है टाइम बाउंडेशन है वन एटी डेज कि ये केस चल रहा है और मेरा डेटर क्या कर देगा मुझे पे कर देगा बट वन एटी डेज भी हो गए तो अभी आईबीसी क्या बोलता है हम क्या करेंगे डेटर को लिक्विडेट करेंगे लिक्विडेट करेंगे तो यहां पे मैं क्या हो गई क्रेडिटर हो गई राइट क्योंकि मैंने कोर्ट गया मैंने आईबीसी के अंदर केस फाइल किया और मेरा डेटर क्या हो रहा है ठीक है लिक्विडेट हो रहा है तो अब एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरा ही पैसा है मैं ही जाके रिकवर हूं क्योंकि आप कोर्ट के पास गए हो तो कोर्ट एक लिक्विडेटर क्या करेगा अपॉइंट करेगा तो अब ये क्या बोल रहा है इस पॉइंट में दैट क्रेडिटर हैज अ राइट टू ऑब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द क्रेडिटर अभी लिक्विडेटर एक मिडिल मैन पर्सन है ठीक है तो मे बी हो सकता है कि वो कभी पार्शियल हो जाए सपोज मेरे 2500 करोड़ रुपए का अमाउंट था बट उसमें से कुछ 200 करोड़ का अमाउंट है जो लिक्विडेटर कह रहा है नहीं आप आपको रिकवर नहीं होगा ठीक है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि वो मेरे को कह रहा है कि नहीं आपका 25 करोड़ का अमाउंट ड्यू नहीं था आपका 23 करोड़ का ही अमाउंट ड्यू था तो उसके जो डिसीजन होंगे मैं एज अ क्रेडिटर क्योंकि मैंने केस क्या किया है फाइल किया है तो मैं क्या कर सकती हूँ क्वेश्चन कर सकती हूँ मेरे पास राइट है कि उन्होंने जो चीज जो मुझे मॉनिटरी अमाउंट निकाल के दिया है मैं उसको एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं राइट वो ये ही चीज इस पॉइंट में कह रहा है आपको इन डेट समझने की जरूरत नहीं है जस्ट अ बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आईबीसी में क्या होता है मेरा पैसा अगर मुझे नहीं मिला तो मैं आईबीसी के अंदर केस फाइल कर सकती हूं उंडेशन में डेटर ने पेमेंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है नहीं किया तो अपॉइंट किया जाएगा liquidator appoint होगा अगर तो वो जो क्लेम्स को सेटल करने के लिए कोई पर्टिकुलर अमाउंट अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास राइट right है कि मैं उसके क्लेम को क्या कर सकती हूँ एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ रिजेक्ट भी कर सकती हूँ राइट ठीक है तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स मीन अभी तो अपन क्या पढ़ रहे थे ये सारे रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे ठीक है कि कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे ठीक है कैसे कंस्ट्रक्शन परमिट्स लेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे होंगी फंड्स कहाँ से आएंगे टैक्सेस कैसे पे करेंगे अक्रॉस बॉर्डर अगर ट्रेड करना है तो कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे इन्फोर्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे पूरा करेंगे एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई हमारा पैसा कहीं अटक गया तो आप क्या हेल्प ले सकते हैं ठीक है अभी तक कैसे कैसे करना है अब क्या बोल रहा है ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अब आप प्रैक्टिकली आपने हर एक का लॉ तो बना दिया हर एक चीजों के लिए आपने गाइडलाइंस तो दे दी बट पर्टिकुलरली आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो पॉइंट बी में कवर्ड है देखते हैं इसको ये क्या बोल रहा है द डिपार्टमेंट प्योर हेडेड अ डायनेमिक रिफॉर्म्स प्योर हेडेड का मतलब होता है लीडिंग लीड lead. किसी चीज को क्या करना लीड करना आगे लेके जाना तो ये क्या बोल रहा है डिपार्टमेंट लीडेड अ डायनेमिक रिफॉर्म एक्सरसाइज दैट कमेंड इन 2014 टू रैंक ऑल द स्टेट्स यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेजिग्नेटेड रिफॉर्म्स पैरामीटर्स मीन्स डिपार्टमेंट ने क्या किया अलग अलग चीजों में बदलाव लाए और एक डिजाइन करके एक ऐसे पैरामीटर्स तैयार किए जिससे आप क्या कर सके देख सकें कि यार जो ये रिफॉर्म्स बन गए वो तो ठीक है बट क्या वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं इसके लिए डिपार्टमेंट ने क्या किया अलग अलग एक्सरसाइजेस ठीक है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू क्रिएट अ कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरमेंट ठीक है ऐसा बिजनेस एनवायरमेंट बना जाए बाय स्ट्रीमलाइनिंग एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स एंड क्रिएटिंग इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस क्लाइमेट बाय कटिंग डाउन रेड टेप मीन्स हमने ऐसे रिफॉर्म्स लाए ऐसे बदलाव लाए जिससे हमारा बिजनेस एनवायरमेंट क्या हो सके इन्वेस्टर फ्रेंडली हो सके राइट ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए ठीक है डी क्या था ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड ऑल्सो डेवलप्ड एन ऑनलाइन पोर्टल अभी यहाँ पे ऊपर क्या बोला गया जनरल सेंस में क्या कहा गया कि डिपार्टमेंट्स ने क्या क्या किया ये ये चीजें करी अब यहां पर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया वो क्या बोल रहे डी पी डी डबल आई टी ने भी एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया राइट right? अभी ये पोर्टल का नाम क्या है ये आपको यहां पे लिंक दिया गया है जहां पे आप क्या कर सकते हैं वेर इन ऑल द रिफॉर्म्स जितने भी रिफॉर्म्स लाए गए इंप्लीमेंटेड आर एक्सेसिबल फॉर पब्लिक व्यूइंग मींस, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया और अभी तक जितने भी रिफॉर्म्स को पू इम्प्लीमेंट किया गया है ठीक है उन्होंने वो क्या किया पब्लिक डोमेन में दे दिया मींस आज कोई भी लेमैन उठ के कोई भी पर्सन उठ के उसको इनका ये ऑनलाइन पोर्टल एक्सेस कर सकता है और जो जो रिफॉर्म्स बने हैं उनको क्या कर सकता है देख सकता है द पोर्टल ऑल्सो गिव्स डायनेमिक रैंकिंग विच अपडेट्स एज एंड वेन एनी ऑफ द रिफॉर्म्स पॉइंट आर रिकोगनाइज एंड अप्रूव्ड ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है इन 2017 द रिफॉर्म एक्सरसाइज वाज अपडेटेड टू 372 टू एक्शन पॉइंट विद एडिशन इंट्रोड्यूस सच सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम ट्रेड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड सोसाइटीज ठीक है इन इन सेक्टर्स के अंदर जो पहले जो पॉइंट्स थे रिफॉर्म पॉइंट्स जो थे वो अपडेटेड uh, थे टू 370 सेवेंटी एक्शन पॉइंट्स ठीक है मतलब 2017 के अंदर 372 कुछ पॉइंट्स थे ठीक है जिनको क्या करना था इंप्लीमेंट करना था उसके अंदर ये कुछ एडिशन पॉइंट्स क्या किए गए इंट्रोड्यूस किए गए अब ये एडिशन पॉइंट्स क्या क्या है सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम ट्रेड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड सोसाइटीज ठीक है इट वाज जस्ट अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट अभी फिफ्थ पॉइंट में ये क्या बोल रहा है इनिशिएटिव्स टेकन बाय डीपीआईआईटी फॉर रिफॉर्म प्रोसेस अब डीपीआईआईटी ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए क्या क्या एक्शंस लिए ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है A nationwide workshop was held on 29th July 2017 to discuss the relevance and importance of implementing reforms. The all-day conference witnessed an active involvement of almost 100 participants from 26 states and union territories. The workshop witnessed sharing the best practices. Kya bullet DPIT ne kya -kya initiatives to But reforms एक्चुअली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं उसके लिए क्या की गई एक वर्कशॉप ऑनलाइन वर्कशॉप यू नो लगाई गई जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है ऐसे ऑनलाइन वर्कशॉप हो रही है जिसके अंदर 26 सिक्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से 100 लोगों ने पार्टिसिपेट करा इस वर्कशॉप से क्या निकल के आया कि हर स्टेट में ठीक है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुए वर्कशॉप में जैसे आज इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक एक्सचेंज कर रही हूँ ठीक है मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको अगर उस टॉपिक के अंदर कोई पॉइंट है ठीक है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि मुझे नहीं पता हो ठीक है और आप मुझे बता रहे हैं तो अपन दोनों के बीच में क्या हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहा है राइट ऐसे ही इस वर्कशॉप के अंदर क्या हुआ अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिस एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई चीज कैसे की जा रही है दूसरी पर्टिकुलर चीज स्टेट में कोई चीज कैसे हो रही है ये चीज लोगों ने एक दूसरे को बताई ठीक है तो इससे क्या होगा इससे एक चीज होगी कि जो इम्प्लीमेंटेशन मतलब रिफॉर्म्स बने हैं वो एक्चुअली इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं या नहीं वो सामने आएगा राइट नेक्स्ट पॉइंट इज अ यूनिक हैंड होल्डिंग मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड वेयर लीडिंग स्टेट व पार्टनर्ड लैगर्ड स्टेट वेस्ट बेंगाल मैरिट्सिंग थ्री डे वर्कशॉप फॉर नागालैंड क्या बोल रहा है एक मेथोडोलॉजी अपनाई गई ठीक है जो स्टेट्स लीड कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में उनको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी लीगल स्टेटस स्टेट्स के साथ ठीक है ऐसे स्टेट जो पीछे है जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ठीक है सक्सेसफुल मिनट्स ठीक है अभी जो स्टेट्स हैं जो कि यू नो लीड कर रहे हैं ठीक है उनको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी लैगर्ड स्टेट के साथ जो पीछे रह गए तो क्या होगा जैसे कोई स्टेट इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर पा रहा है वो गाइड कर सकेगा उस पर्टिकुलर स्टेट को जो वो इम्प्लीमेंटेशन uh, करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो इसमें से वेस्ट बंगाल को यहाँ पे मेंशन किया गया है ये नाम यहाँ पे याद रख लेना क्योंकि वेस्ट बंगाल ने क्या किया वो पर्टिकुलर सेगमेंट में पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ठीक है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही थी सिर्फ रिफॉर्म्स बने ही नहीं थे वो पिक्चर में भी आ रहे थे इस क्यों इसके लिए ये सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए वेस्ट बंगाल ने नागालैंड के लिए तीन डे का एक वर्कशॉप क्या किया था रखा था राइट नेक्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटी रिफॉर्म्स वाज आइडेंटिफाइड फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड अदर्स विथ लो इंप्लीमेंटेशन स्कोर ठीक है एट वर्कशॉप्स वर कंडक्टेड अलोंग अलॉन्ग वर्ल्ड बैंक टू एड्रेस क्वेरीज ठीक है आठ वर्कशॉप कंडक्ट की गई किसके साथ मिलकर कंडक्ट की गई वर्ल्ड बैंक के साथ ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं ठीक है थीके? उनको एड्रेस किया जा सके और प्रॉब्लम किस किस स्टेट्स के अंदर हो सकती थी बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन त्रिपुरा पंजाब हरियाणा दमन एंड दीव दादरा एंड नागर हवेली अंडमान एंड निकोबा आइलैंड्स, गोवा एंड कर्नाटक, राइट आठ वर्कशॉप्स कंडक्ट की गई किसके साथ मिलके कंडक्ट की गई वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके आठ वर्कशॉप्स कंडक्ट की गई क्यों कंडक्ट की गई आप इन इन पर्टिकुलर स्टेट्स की क्वेरीज को क्या कर सके रिजोल्व कर सके टू हैंड होल्ड ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेन्ज मतलब जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ठीक है एट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको क्या करने के लिए उनको गाइड करने के लिए टाइम टू टाइम उनको चीजें बताने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई थी द असेसमेंट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज अंडर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड एटीन वॉज रिलीज वर्ल्ड बैंक ऑन टेंथ जुलाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक बिजनेस एक्शन प्लान दो हजार सत्रह या अठारह में आया था यह एक्शन प्लान कौन लेके आया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड किसके साथ मिलकर लेके आया वर्ल्ड बैंक के साथ कब लेके आया टेंथ जुलाई टू थाउजेंड एटीन में लेके आया राइट right? तो ये आपका एक एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां भी रिमेंबर डेट्स पिक्चर में आ जाती हैं वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एक आ, वैसे ही वो पॉइंट क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट right? तो ये एक टॉपिक था जहां पे अपन ने क्या किया कि इनिशिएटिव जो डीपीआईआईटी ने लिए थे वो क्या क्या थे रिफॉर्म्स के लिए राइट right? ठीक है सम इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स अंडर एक्सरसाइज़ फॉर 2017-18 अभी एक्सरसाइज़ से क्या मतलब समझते हैं अभी अपन क्या कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स तो बन गए बट उनको कैसे एक्सरसाइज किया गया उनको कैसे इंप्लीमेंट किया गया तो 2017-18 के जो अचीवमेंट्स हैं उनको यहां पे क्या किया गया है डिस्कस किया गया है देखते हैं

अभी ट्वेंटी वन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव डिजाइन एंड अ सिंगल विंडो सिस्टम ठीक है ये बता रहा है कि इतने पर्टिकुलर स्टेट्स थे जिन्होंने क्या ऑनलाइन पोर्टल बनाया नेक्स्ट इज सिक्सटीन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव स्टुलेटेड कंस्ट्रक्शन परमिट्स टू बी प्रोवाइडेड विद इन फोर्टी फाइव डेज ठीक है सिक्सटीन स्टेट्स जो है 45 डेज के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन परमिट का जो काम होता है जो वर्क होता है, टाइम से रिलेटेड कॉस्ट से अप्रूवल टू बी कंप्लीटेड इन सेवेंथ डे फाइनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड इन एट डेज ओके फोर्टी फाइव डेज का आपको बाइफोकेशन दिया गया है नेक्स्ट क्या बोल रहा है तेलंगाना आसाम एंड तमिलनाडु मैंडेटेड इवन शॉर्टर टाइम लाइन ऑफ ट्वेंटी एंड थर्टी सेवन डेज ठीक है यहाँ पे इन्होंने जनरल बोल दिया कि ठीक है सोलह स्टेट थे जो फोर्टी फाइव डेज में रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करे अब यहाँ पे इन्होंने तीन नाम दे दिए हैं राइट इनको तुम्हें ध्यान रखना है कौन कौन से स्टेट्स एक तो तेलंगाना आसाम एंड तमिलनाडु जो फोर्टी फाइव डेज से कम में जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन परमिट से रिलेटेड टाइम लगता है वो कम लग रहा है कितने डेज में लग रहा है like, लाइक तेलंगाना में ट्वेंटी नाइन डेज में हो जाता है आसाम में थर्टी डेज में एंड तमिलनाडु के अंदर कितने दिन में थर्टी सेवन डेज में नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये ट्वेंटी वन स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैव इंप्लीमेंटेड अ जी आई एस सिस्टम टू प्रोवाइड डिटेल अबाउट द लैंड फॉर इंडस्ट्रियल यूज अक्रॉस द स्टेट एंड ट्वेंटी थ्री स्टेट यूनियन टेरिटरीज रिड्यूज द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ओनली टू टू ठीक है ये सारी चीजें जो भी फैक्टर्स इंडिकेटर्स अपन ने ऊपर पड़े हैं इसमें ये क्या बता रहा है पर्टिकुलर इतने स्टेट्स ने ये किया इतने स्टेट्स ने ये किया तो आपको इसको क्या करना है क्विकली रीडिंग जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग की हाँ ठीक है जो इंडिकेटर्स अपन ने पड़े वो एक्चुअली इंप्लीमेंट कहाँ कहाँ हो रहे हैं अगर कहीं स्पेसिफिक स्टेट्स का नाम दिया गया है तो वो आपको याद करना है अगर स्पेसिफिक स्टेट्स का नाम नहीं दिया गया है तो इट इज जस्ट अ जनरल रीडिंग पार्ट ठीक है एटीन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव बॉट ऑल कंप्लायंस इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाई लेबर फैक्ट्रीज बॉयलर डिपार्टमेंट्स एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर देंट्रल इंस्पेक्शन फ्रेमवर्क ठीक है एंड ट्वेल्व स्टेट यूनियन टेरिटरीज टेरेटरीज मर्ज ऑफ पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस एंड प्रोसेस फीस इंटूअ सिंगल ट्रांजेक्शन जैसे अपन ने ऊपर देखा था एजाइल देखा था फॉर्म आई देखा था तो क्या कर रहे हैं जहां जहां टाइम में मल्टीपल एफर्ट्स लग रहे हैं ठीक है उन एफर्ट्स को क्या करा है कंसोलिडेट करा है अलग अलग फॉर्म में अब यहां पे क्या बोल रहा है ट्वेल्व स्टेट्स हैव फॉर किस चीज के लिए मर्ज किया है पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस एंड प्रोसेस फीस ठीक है इन टू अल ट्रांसैक्शन विद सम स्टेट लाइक झारखंड महाराष्ट्री नाइन स्टेट यूनियन टेरिटरीज है लिस्ट ऑफ वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज एक्सेंटेड फ्रॉम टेकिंग पॉल्यूशन क्लियरेंस मतलब ऐसे कुछ स्टेट ठीक है जहां पे पॉल्यूशन बहुत कम है तो वहां कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपको क्या करना पड़ता है पॉल्यूशन क्लियरेंस के लिए एक सर्टिफिकेट लाना पड़ता है ठीक है कि हम अगर पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं तो इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा बट अगर आप उस स्टेट या उस यूनियन टेरिटरी में उस पर्टिकुलर सिटी में आते हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है तो आपको क्या इस एक, आपको एक एग्जाम्शन दे दिया जाएगा आपको इसके लिए आ, कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं ऑपरेट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज ट्वेंटी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इंप्लीमेंटिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम होलसेल ड्रग लाइसेंस एंड रिटेल ड्रग लाइसेंस फार्मेसी ठीक है ये क्या कह रहा है कुछ ट्वेंटी स्टेट्स हैं वो लोग भी कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने फार्मा कंपनीज जो होती हैं ठीक है अलग अलग स्टेट में वो लोग भी क्या हो रहा है आगे आके ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू क्या कर रहे हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं एटीन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव ऑनलाइन सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड सोसाइटीज ठीक है ट्वेंटी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यू रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ठीक है हर एक एक्ट जो अपन ने कहीं ना कहीं इस चैप्टर के पोर्शन में डिस्कस किया है क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पे कुछ कुछ स्टेट्स हैं इन्होंने ये कर लिया कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं एन नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इन्होंने ये किया तो हर एक चीज को हर एक पॉइंटर को सिर्फ डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो रिफॉर्म्स बनाए गए थे वो सिर्फ बनाने के लिए ही नहीं थे कहीं ना कहीं वो रिफॉर्म्स क्या हो रहे हैं इंप्लीमेंट हो रहे हैं राइट सेवेंथ पॉइंट इज बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान टू स्टेट्स अभी देखो ये एक स्पेसिफिक हो गया ठीक है तो इसको थोड़ा

डी ने और उसने क्या किया दूसरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ उसको शेयर किया ठीक है कि कैसे अगर आपने कोई रिफॉर्म बनाया तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में कुछ 80 पॉइंटर्स थे जो दूसरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ शेयर किए गए एज कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव सेवन वर्कशॉप्स हैज बीन कंडक्टेड इन यूनियन टेरिटरी ठीक है ये कह रहा है कि यूनियन टेरिटरीज के अंदर सेवन वर्कशॉप्स रखी गई एट रीजनल लखनऊ, कोलकाता, मुंबई बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सेट्रा ठीक है लास्ट पॉइंट विच से डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म एक्शन प्लान अ टू हंड्रेड एंड एटीन जैसे अभी ऊपर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान था उसमें एट्टी पॉइंट का एक्शन प्लान था वैसे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म के लिए एक्शन प्लान बनाया गया उस एक्शन प्लान में कितने पॉइंट्स थे 218 हंड्रेड एंड एटीन पॉइंट प्रिपेयर किए गए हैज बीन प्रिपेयर एंड शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट विथ अ रिक्वेस्ट टू इम्प्लीमेंट द सेम इन द डिस्ट्रिक्ट द एक्शन प्लान इज स्प्रेड अक्रॉस एट एरिया स्टार्टिंग अ बिजनेस फॉर कंस्ट्रक्शन urban local body services paying tax land reforms enabler land administrative property registration enabler obtaining approval miscellaneous and grievance redressal paperless courts and law and order ये क्या है ये सारी चीजें जो है ये बोल रहे हैं कि इन टू टू हंड्रेड एंड एटीन पॉइंट में से इन इन चीजों के लिए क्या एक्शन प्लान प्रिपेयर किया गया राइट आपको इन चीजों को सिर्फ एक बार समझना है मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूं जो भी पार्ट फिगरेटिव इन टर्म्स ऑफ इयर्स है वो आपको याद करना है एंड एक वो टेबल मैंने स्पेसिफिकली बोली थी आपको कि उस टेबल के अंदर जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये वाली टेबल विच इज गिवन ऑन पेज 128 ट्वेंटी एट यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं इनका रैंकिंग आपको याद करना पड़ेगा जनरल डी टी एफ फैक्टर जो सिक्सटी पॉइंट समथिंग से सिक्सटी सेवन पे जा रहा था वो आपको याद होना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने डीबीआर रिपोर्ट कब रिलीज करी वो और ऐसे ही जहां पे डेट्स दी गई हैं ठीक है ठीके? वो एमसीक्यू पैटर्न से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे यहां पे आपको ये एजाइल फॉर्म है स्पाइस फॉर्म है इसके अंदर क्या क्या चीजें कंसोलिडेट हो रही है वो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी एंड रिफॉर्म्स क्या क्या बनाए गए उनको सिर्फ एक बार समझना है एक बार सिंपल रीडिंग करनी है एंड यू आर गुड टू गो अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा एबल अगर आपने समझा हुआ है रटना नहीं है समझा हुआ है तो आप एम सी क्यू आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं राइट ठीक है सो दिस कंप्लीट आ सेकेंड टॉपिक विच इज बिजनेस एनवायरमेंट एंड इसके ये एम सी क्यूज लेते हैं वर्ल्ड बैंक रिलीज द डीबीआर रेट टू थाउजेंड नाइनटीन अभी अपन ऊपर देखा थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड एटीन डी बी आर इज एन असैसमेंट वन नाइनटी कंट्रीज देखा था वन नाइन्टी कंट्रीज से इंडिया का रैंक हंड्रेड था देन सेवेंटी सेवन हुआ In the World Bank latest DBR report, India has recorded a jump of 23 position bar bar men revise karvaya hai ki India ne 23 position ka jump in last one year. Who gave the following definition? Business environment is aggregate of all conditions. The first one, Keith Davis. Hai. Last is according to ease of doing business index. by department for promotion of industry and internal trade for state what is the rank of india with reference to starting a business see 137 even i don't remember ek bar dekhte hain ye wahi table mein se hoga ki starting a business see ये जो टेबल मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोली है इसके इंडिकेटर्स विथ रैंक याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एमसीक्यू में आएगा आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है ये पर्टिकुलर की स्टार्टिंग बिजनेस का रैंक कितना था 137 जो अभी अपन ने एमसीक्यू में लास्ट एमसीक्यू में देखा राइट right? 137 तो दिस कंप्लीट योर चैप्टर आई गेस 17 से और मोस्ट प्रोबेबली 16 आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक थ्री टू थ्री एंड हाफ आर मैक्सिमम ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड जो नेक्स्ट क्लास होती है लाइक कल से थ्री डेज तक आई बट so, उसके बाद जब भी होती है तो अपन बिजनेस इन्वॉल्वमेंट मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करवाऊंगी सी आपको घर पे बैठ के उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है आप क्लास में अगर सुन रहे हैं तो आप एमसीक्यू आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं राइट सो दिस कम्प्लीट्स Our lecture for today. Thank you so much, guys.